हेलो दोस्तों कैसो बच्चों सब कुछ ठीक ठाक देखो आज हमने एक नया चैप्टर शुरू करना है आपका चैप्टर का नाम है बिल सुब एक्सचेंज लिखी मेरे साथ बिल सुब एक्सचेंज बहुत सिंपल चैप्टर है बहुत सिंपल चैप्टर है थोड़ा सा आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा इस चैप्टर को समझने में एलेवेंथ क्लास ऑनवर्ड क्या होता है इस चैप्टर में बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर आ जाती हैं हम लोग इसको रटने की कोशिश करते हैं कि यार दस बारह एंट्री रट लो काम खत्म हो जाएगा हम वो काम नहीं करेंगे हमें इसको समझते हुए काम करना है ठीक है ना आप साथ दोगे ना मेरा सर हाँ जी सर हाँ जी बताओ सर क्या करना चाहते हो देखो मैं पहले मैं इस चैप्टर का आपको मीनिंग समझाओ ये एक्चुअली चैप्टर है क्या और इसको समझने के लिए ना आप क्या करेंगे मेरे साथ ही डायग्राम देखेंगे आप चाहे तो मेरे साथ बना सकते हो डायग्राम देखो जरा यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है देखो मान लो यहाँ पे एक फॉर्म है फॉर्म इस फॉर्म ने क्या किया मैं कुछ कंडीशन दिमाग में ला रहा हूं आपके ये देखिए फॉर्म ने क्या किया गुड्स सोल्ड किया मेरे बच्चे गुड्स सोल्ड किया ऑन क्रेडिट ऑन क्रेडिट मान लो मिस्टर एक्स को और ये गुड्स जो तो सोल्ड किया हमने क्रेडिट पे सुपोज दैट मान लो दो लाख रुपए का है ठीक है ना तो फर्म ने क्या किया गुड्स बेचा एक्स को दो लाख रुपए का फर्म ने पूछा कि एक्स ये पैसा तुम मुझे कब दोगे एक्स ने कहा कि ये पैसा मैं आज से थ्री मंथ्स के बाद यानी कि तीन महीने के बाद मैं आपको वापस कर दूंगा फॉर्म ने उन पर विश्वास कर लिया कि ठीक है मैं तीन महीने के बाद आऊंगा आपसे पैसा ले लूंगा जरा मुझे बताओ ना तीन महीने गुजरने के बाद जब फर्म एक से पैसा मांगने जाएगा और एक ने पैसा पे करने से मना कर दिया तो फिर उस टाइम पे फर्म क्या करेगा बच्चे क्या उपाय इसके पास है सर फर्म इस पर केस करेगा कैसे केस करेगा आपके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है आपने उनको गुड्स बेचा वो गुड्स क्या करे खा चुके बच्चे खत्म कर चुके हैं पता नहीं गुड्स कहाँ कहाँ जा चुके हैं अब गुड्स तो कहीं दिख नहीं रहा है आपने इनसे कोई एग्रीमेंट भी साइन नहीं कराया था कुछ रिटर्न भी नहीं लिया था तो मेरे बच्चे उस केस में अगर तीन महीने के बाद एक पैसा पे करने से मन कर मना करेगा तो आपके पास कोई भी इस बात का प्रूफ नहीं है और ऐसे बिजनेस में इतने रिस्क हो जाते हैं कि लोग पैसा डुबाना शुरू कर देंगे और आप खराब हो जाओगे खत्म हो जाओगे पर तो बच्चे इस रिस्क से बचने के लिए इस रिस्क से बचने के लिए फॉर्म क्या करेगा ध्यान दो यहां पे एक पेपर लेगा ध्यान से मेरी बात सुना शब्दों को ये पेपर लेगा और फर्म इस पेपर पर पे लिखेगा कि तुमने मुझसे टू लैक्स का कर्ज लिया है और ये पैसा तुम कसम खा रहे हो कि आज से थ्री मंथ्स के बाद वापस कर दोगे इस बात को प्रॉपर तरीके से कैसे लिखा जाएगा हम बाद में बताएंगे फर्म क्या करेगा बच्चे इस पेपर पे ये, ये ये बात लिखेगा जरा बताओ किसने लिखी है ये 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 कागज जो जो है है बिल किसने ड्रॉ किया है सिर्फ फर्म ने हाँ बच्चे फर्म ने ड्रॉ किया तो फर्म को ना हम यहां पे क्या करेंगे ड्रॉवर कहेंगे ड्रॉवर यानी कि जिसने इस बिल को ड्रॉ किया उसको ड्रॉवर कहते हैं इस बिल पे जरा बताओ ये बिल क्या पूरा हो चुका नहीं हो चुका जब तक इस बिल पे एक यानी कि अपने सहमति ना दे दे तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो मेरे बच्चे एक फर्म ने क्या किया इस पे लिखा कि आपने मुझसे दो लाख का कर्ज लिया है और ये पैसा आज से तीन महीने के बाद मुझे वापस कर दोगे इस बिल पे क्या होगा एक क्या करेगा साइन करेगा मतलब अपना एक्सेप्टेंस देगा ध्यान दीजिए इन्होंने अपना एक्सेप्टेंस दिया है जो इस बिल पे एक्सेप्टेंस देगा मेरे बच्चे हम उसको ड्रॉ कहेंगे ड्रोवी, इस चैप्टर के अंदर में आप ड्रॉ कह सकते हो आप इनको एक्सेप्टर भी कह सकते हो एक्सेप्टर जिसने एक्सेप्टेंस दिया अपना एक्सेप्टर आपका चिंता नहीं करना इनको थ्योरी में मैं पॉइंट वाइज आपको लिखाऊंगा फिलहाल मैं चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं मेरे बच्चे ये बिल जो है ना जिस बिल को आपने ड्रॉ किया और आपने क्या किया जी साइन किया यही बिल फर्म के लिए बन जाता है बिल्स रिसिवेबल यही बिल इनके लिए क्या हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल इस बिल के अगेंस्ट मुझे पैसा रिसीव करना है रिसीव करना है मुझे पैसा लेना है मेरे बच्चे मेरा ये एसेट्स होता है मेरी एक प्रॉपर्टी है क्योंकि ये शो कर रहा है कि मुझे आपसे पैसा लेना है अब देखो यही बिल इन्होंने क्या बोला कि मैं इसके अगेंस्ट आपको पैसा पे कर दूंगा इसका कसम खा रहा हूं तो मेरे बच्चे ये बिल जो है ना इन्होंने इसके अगेंस्ट पैसा पे करना है तो इनके लिए यही बिल यहां कहा जाता है बिल्स पेबल बिल्स पेबल ध्यान दीजिए कागज वही है लेकिन कागज को इनके लिए एसेट्स यानी कि बिल्स रिसल कहा जाएगा और इनके लिए क्या कहा जाएगा बिल्स पेबल इसमें कोई डाउट ना हो कि बिल्स पेबल इनकी लैबिलिटी के रूप में ट्रीट किया जाएगा बात समझ में आ रही है बोलो ना बात समझ में आ रही है सर हाँ जी सर हाँ जी आ रही बात समझ में देखो मुझे इन सारी बातों को आपको क्या करना है क्वेश्चन में समझाना है न्यूमेरिकली इन बातों को समझाने के लिए बच्चे मैंने कई सारे केसेज आपके साथ रेडी किए मैं कम से कम बारह तेरह केसेज कराऊंगा और इस केस में पूरे चैप्टर को खत्म करूंगा तो मैं आपके लिए अभी ना अब ये डायग्राम छोड़ के आप यहां आइए मैं पहले आपके पास केस नंबर वन कराना चाहता हूँ केस वन में कराऊंगा यहां पे इफ बिल इफ बिल इज केप्ट लिखिए मेरे साथ इफ बिल इज केप्ट टिल मेच्योरिटी इफ बिल इज केप्ट टिल मेच्योरिटी एंड एंड ऑनर्ड 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 ऑन date सर ऑनर्ड का मतलब क्या होता है अभी बताऊंगा अभी कहां कुछ मैंने आपको समझाया है लिखो तो पहले इफ बिल इज capital maturity मेच्योरिटी एंड ऑनर्ड ऑन date इसका मतलब मैं समझाता हूं सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना मेरी बात ध्यान से मैं ना इसमें आपके बुक का क्वेश्चन नंबर वन का मेरे बच्चे मैं करा रहा हूँ सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर वन का लेकिन रुको सावधानी अभी क्वेश्चन नंबर वन पढ़ना नहीं है मैं खुद पढ़ाऊंगा एक्चुअली क्वेश्चन नंबर वन जो है ना बच्चे उसी बात को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पढ़ना नहीं थोड़ा कन्फ्यूजन होगा पहले मेरी बात सुन लो खुद मैं कहूँगा मेरे साथ पढ़ना आपको अच्छा लगेगा मैं काम करता हूँ क्वेश्चन नंबर वन में मैं आपका इसका सोल्यूशन रेडी करता हूँ देखो ना और हाँ आज मैं सिखा रहा हूं पहले एंट्रीज जो करा रहा हूँ बच्चे वो है इन द बुक ऑफ फॉर्म आज हम लोग क्या करेंगे फर्म के बुक में यानी कि जो हमारा ड्रोवर है जो हमारा ड्रोवर है हम उसके बुक में आपको एंट्रीज दिखाते हैं देखो ना आपको अच्छा लगेगा फर्म फर्म ने ने क्या क्या बच्चे क्या क्या? एक तो एक्स को गुड्स बेचा टू लैक्स का जरा बताओ गुड्स बेचने की क्या एंट्री होती है तो फर्स्ट एंट्री जब गुड्स बेचेंगे तो एक्स मेरा बन गया डेटर है ना बच्चे हमने पढ़ा हुआ है डेटर हमारा एसेट्स होता है वरना डेबिट करते हैं तो टू लैख से हमने क्या किया डेटर्स को बढ़ा दिया और हमने क्या बोला जी टू सेल्स अकाउंट यानी कि हमने सेल्स करने की यहां पे एंट्री की है सेल्स हमारा इनकम है बढ़ना होता आपका तो एक्स टू सेल्स ये लिखो पे एंट्री हुआ बीइंग नरेशन दे रहा हूं मैं आपको ताकि रिवीजन में दिक्कत ना हो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट हमने जो गुड्स क्रेडिट पे बेचा है हम उसकी एंट्री यहां पर दिखा रहे एक्स टू सेल्स अकाउंट आई बात समझ में सर हां जी अब देखो ना आपको अच्छा लगेगा हमने यानी कि फर्म ने क्या किया जब गुड्स बेचा था तो उसी टाइम पे एक से क्या रिसीव कर लिया बिल्स रिसीवेबल उसने प्रूफ लिया इस बात का कि भैया आप इसके अगेंस्ट समय पेमेंट कर दोगे यानी कि अगली एंट्री में क्या करूंगा ध्यान दीजिए अभी फर्म के बुक में बच्चे एक्स का नाम दिख रहा है जब फर्म एक से बिल रिसीव कर लेगा जब बिल रिसीव कर लेगा तो फर्म क्या करेगा एक्स के नाम को अब अपने बुक से हटा देगा कोई भी चीज जो हमारे डेबिट में अगर हमें हटाना होता है तो हमें क्रेडिट करना होता है यह बात आप जानते हैं तो टू लैक्स से हमने क्या क्या हटा दिया और जरा बताओ एक्स के नाम पे जो नया एसेट्स में दिखाऊंगा उसका नाम क्या है बिल्स रिसिवेबल तो मैं बिल्स रिसिवेबल यानी कि शॉर्ट में बी लिख देता हूं अकाउंट को मैं यहां पर डेबिट कर दूंगा बात समझ में आ रही है तो आपका एंट्री कंप्लीट हो गया बिल्स रिसिवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट सॉरी टू एक्स अकाउंट लिख दो नरेश आपको रिविजन में दिक्कत ना हो इसलिए बींग बींग आपका बिल्स रिसिवेबल रिसिव्ड हमने क्या किया बिल रिसीव जो रिसीव किया है फ्रॉम एक्स फ्रॉम एक्स उसकी एंट्री पास की बचे नरेशन आप कैसे भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी है बस गाली मत लिखना गाली मत लिखना हम इसी को समझाते कि एंट्री किस बात की है ठीक है अब मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो देखो तो फिर कहानी आगे बढ़ी फॉर्म ने आपसे गुड्स बेच दिया और आपसे क्या रिसीव कर लिया बिल्स रिसिवेबल है अब देखो तीन महीने गुजरने के बाद यानी कि जब तीन महीने गुजर जाएंगे थ्री मंथ्स के बाद आप डिट पे किसके पास जाओगे जी से से और एक से क्या करोगे पैसा रिसीव कर लोगे होगा ना बच्चे जब तीन महीने गुजर गए तो तीन महीने के बाद क्या होगा जी फर्म एक के पास जाएगा और वो कागज जो बिल्स रिसिवेबल है वो कागज इनको वापस कर देगा और उसे क्या रिसीव कर लेगा पैसा रिसीव कर लेगा कैश रिसीव कर लेगा मतलब ड्यूडेट पे क्या होने वाला इमेजिन करना जैसे जैसे बता रहा हूं फर्म एक्स के पास गया होगा एक्स को वो बिल्स सिर्फल यानी कागज उसने उनको वापस कर दिया होगा या फाड़ के फेंक दिया होगा और उसके बदले में कैश रिसीव कर लिया होगा कैश इसकी एंट्री कैसे क्या होगी मैं आपको बताता हूं यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं जी ड्यू डेट पे ड्यू डेट पे आपके यहां पे एंट्री क्या बनेगी ये तो तब हुआ था जब गुड्स बेचा ये हमने स्टार्टिंग में बिल रिसीव कर लिया अब ड्यू डेट यानी कि तीन महीने के बाद क्या होगा उसको समझाऊंगा लेकिन उसके पहले थोड़ी सी मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो मैंने पहले इस दोनों एंट्री का आपको अल्टीमेट इंपैक्ट समझाना चाहता हूं ये दो एंट्री करने के बाद हमारे फर्म में क्या सिचुएशन जरा वो समझो ये देखो अच्छा लगेगा एक्स जो आपका डेबिट में में था और क्रेडिट आपने कैंसिल कर दिया आपको जो रेड से कर रहा हूं आपको नहीं करना ये समझा रहा हूं मैं आपको एक्स डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो गया बच्चे तो अब देखो हमारा इंपैक्ट क्या है फर्म कहते हैं कि भैया दो लाख का हमने सेल किया है दो लाख का हमने सेल किया है और उतने का हमारे पास क्या पड़ा हुआ है जी बी पड़ा हुआ बच्चे बिल्स रिसीवेबल हमने दो लाख का सेल किया है उतने का हमारे पास बिल पड़ा हुआ है अब हुआ क्या जब ड्यू डेट आया ड्यू डेट तो ध्यान दीजिए इस बिल को मैं लेके चला गया एक्स के पास और एक से पैसा रिसीव कर लिया जब इसके अगेंस्ट मुझे पैसा मिल जाएगा तो मैं अपने बुक से इस नाम को हटा दूंगा जो बी डेबिट में था बच्चे उससे आपको क्रेडिट करना पड़ेगा टू बी अकाउंट जरा बताओ कितने का बिल आपका है सर टू लैक्स लीजिए हमने दो लाख का बिल हटा दिया और इसके बदले में हमारे पास क्या आ गया होगा सर कैश आ गया होगा तो अब मैं कैश अकाउंट को यहां पे डेबिट कर दूंगा अमाउंट कितना आपका है टू लैक्स का बात सुनवा रही है तो ड्यूडेट पर पर बच्चे हमने क्या किया कैश रिसीव कर लिया लिख दो नरेश ने यहाँ पे बींग कैश रिसीव्ड कैश रिसीव्ड या फिर आप कह सकते हो चलो ठीक है ऑन ड्यूडेट ड्यूडेट आप ड्यूडेट पर क्या हुआ है? कैश आपने रिसीव कर लिया कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे हम लिख सकते थे बींग बिल ऑनर्ड हो गया है ना ये तीन एंट्री निकल के आए तीन एंट्री जरा समझ लो लिख लिया आपने पहले यहाँ पे सर हाँ अब जरा देखो इस एंट्री के बाद इम्पैक्ट जी इस एंट्री के बाद बी आर जो डेबिट था बच्चे वो भी क्रेडिट हो गए कैंसिल हो गया तो अल्टीमेटली अब तीन महीने के बाद फर्म के पास जो इम्पैक्ट है कि भैया हमने दो लाख का सेल किया है और दो लाख रुपये हमारे पास कैश आ चुके हैं ये इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट हुआ अल्टीमेट इम्पैक्ट सर अल्टीमेट इम्पैक्ट क्यों बता रहे हो ताकि आपको प्रॉपर तरीके से बात समझ में आए कि जो एंट्रीज हम पास कर रहे हैं उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है मीनिंग क्या है तो ध्यान दीजिए हमने इस तरीके से काम किया बताओ क्या हम भी एग्जाम में ऐसे लाल लाल अक्षरों से काटेंगे नहीं बदमाश आपने थोड़ा ही काटना है अरे मैंने आपको समझाया कि एंट्री का मीनिंग क्या हुआ आपको सिर्फ एंट्री पास करके दिखाना है बस आपका समझ में आ रही है अब देखो जरा मैंने टॉपिक का नाम क्या लिखा था केस नंबर वन में इफ बिल इज केप्ट टिल मेच्योरिटी बिल टिल मेच्योरिटी यानी कि तीन महीने फर्म ने अपने पास केप्ट यानी कि रखा था और कहते हैं फिर आगे में ऑनर्ड ऑन ड्यू ऑनर्ड का मतलब होता है कि उस बिल के अगेंस्ट हमें पैसा मिल गया यानी कि एक्स के पास में पैसा गया और पैसा मिल गया इसको बोलते हैं बच्चे ऑनर्ड हो जाना तो ऑनर्ड के केस में उन्हें बातें बता दी आई बात समझ में सर हां जी तो जरा एक काम करो आप जरा पढ़ो मेरे साथ बुक का क्वेश्चन नंबर वन देखो जरा क्या क्वेश्चन कुछ अलग है कि यही है देखो ना क्वेश्चन नंबर वन क्या बता रहा है कहता है क्वेश्चन में फर्म सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर टू लैक्स एंड रिसीव्ड हिज एक्सेप्टेंस पेबल आफ्टर थ्री मंथ्स ऑन द ड्यू डेट कहता है बिल वॉज मेट मेरे बच्चे इसी को तो मैंने आपको बताया था तो एक्चुअली जो मैंने आपको डायग्राम बताया डायग्राम आपका क्वेश्चन नंबर वन ही था उसी को मैंने आपको यहां पर सोल्यूशन के रूप में दिया है बात समझ में आ गई फरहान जी सर एग्जाम में डायग्राम दिखाना है नहीं दिखाना है। मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि मीनिंग क्या निकल के आता है चलो जी ये काम खत्म हो गया ध्यान दीजिए अभी तक मैंने थ्योरी में क्या बताया आपको यहाँ फर्म को हम क्या बोलेंगे ड्रोअर जो बिल लिख रहा है उसको ड्रोअर कह रहे हैं और यहाँ पे एक कोने बचे ड्रोई है ड्रोई कह दो या एक्सेप्टर कह दो मीनिंग सेम निकल के आता है तो ये यह हमने यहाँ पे आपको बता दिया ठीक है सर आगे बताओ क्या करना है देखो मैंने केस वन आपको समझा दिया जिसमें बिल अपने पास रखा और आपने ऑनर्ड किया सर और भी एंट्री करा दो ना केस में बहुत एंट्री करेंगे बच्चे क्यों चिंता कर रहे हैं आप बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैंने कहा ना जब चैप्टर में एंड कराऊंगा तो आपकी पूरी मास्टरी करा दूंगा इस बात का कसम खाता हूं आप चिंता नहीं करना दस थोड़ा पेशेंस वाइज मेरी बातें सुनते चलो अच्छा लगेगा बहुत प्यारा चैप्टर है बहुत प्यारा चैप्टर है।, है अब जरा आ जाओ केस नंबर टू केस नंबर टू सर ये क्या है लिखे इफ बिल इज डिस्काउंटेड If bill is discounted and and honored and honored on due date, on due date, अब सुनने मेरी बात कहता है कि बिल हमने डिस्काउंट किया है बिल हमने डिस्काउंट किया है बिल डिस्काउंट करने का मतलब होता है आ, बिल को बेच देना बच्चे बिल को बेच देना सर बेचना कैसे अभी दिखाता हूं पहले लिखो आप इफ बिल इज डिस्काउंटेड एंड ऑनर ऑन due date. पता है इसमें मैं आपके बुक का सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर टू कराऊंगा फिर पढ़ लें अभी नहीं क्वेश्चन में जब पढ़ाऊंगा तभी पढ़ना है पहले क्वेश्चन की बातों को ना मैं प्रैक्टिकली आपको यहां पर दिखाता हूं कि क्वेश्चन है क्या सुनिए मेरी बात सुनिए लिखना बंद करेंगे आप लिखना बंद करेंगे देखो फॉर्म ने गुड्स बेचा था अभी बताया था हमने किसको जी एक्स को कितने का सेल किया था बच्चे सर टू लैक्स का ठीक है आप जरा एंट्री करो मेरे साथ यहां पे एंट्री करो तो पहले बताओ हम लोग एंट्री किसके बुक में सीख रहे इन द बुक ऑफ फॉर्म आज हम जितनी सारी बातें करेंगे सारी बातें फॉर्म यानी कि ड्रोवर के बुक में हो रहा है ड्रो, ड्रोवी के बुक में क्या एंट्री होगा हम अलग से देखेंगे पहले हम ड्रॉवर के बारे में बात कर रहे हो बच्चे बताइए कि जब फॉर्म ने गुड्स बेचा एक्स को तो एंट्री क्या हो जाएगा सर एक्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट हां बच्चे कितने से एंट्री टू लैक्स का लीजिए टू लैक्स के एंट्री पास की अभी हमने देखा था इसके बाद क्या हुआ कि फर्म ने एक से क्या रिसीव किया था जी बिल्स रिसीवेबल कितने का टू लैक्स का जितना गुड्स बेचा उतने का ही। तो जरा बताओ फर्म ने जो बिल रिसीव किया उसकी एंट्री क्या पास करेंगे यहां देखो फर्म अब अपने बुक्स के एक्स के नाम को हटा देगा वो जो एक्स के नाम उसने डेबिट किया था अब उसको हटा देगा क्रेडिट कर देगा बच्चे टू लैक्स के और जरा बताओ इसके जगह पे कौन से नाम को दिखाएगा सर बिल्स रिसिवेबल उनसे हमने जो कानूनी पेपर पे साइन कराया है जिसको हम बिल्स रिसिवेबल आपके लिए कहेंगे हम वो लेकर आए तो ध्यान दीजिए अब हमारा पास इंपैक्ट क्या बचे इंपैक्ट क्या है एक्स का अकाउंट खत्म हो चुका है हमने जो दो लाख का सेल किया है उसके बदले में एक बिल पड़ा हुआ हमारे पास तो दो लाख रुपए का है बात स्वीकारिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए नहीं सर आगे बताओ पता है मुझे ये बताइए कि फर्म ने जो ये बिल साइन कराया है इसमें पीरियड कितना लिखा हुआ है थ्री मंथ्स मान लो तीन महीने आपका एक सवाल का जवाब दो एक सवाल का जवाब दो कि फर्म ने इनसे एक पेपर पे साइन कराया है जिसमें एक साइन किया है कि आज से तीन महीने के बाद मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा आज से तीन महीने के बाद क्या करूंगा जी मैं पैसा आपको वापस कर दूंगा इस इसमें फर्म ने क्या क्या साइन कराया है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अगर मान लो फर्म को आज पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई अगर फर्म को आज अचानक पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई मान लो इसका बच्चा बीमार हो गया बीवी भी बीमार भी हो गई है, कुछ भी मान लो और इसको अचानक ही दो लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है तो जरा बताओ कि क्या आज जिसपे एक्स ने साइन किया है कि मैं पैसा तीन महीने के बाद आपको वापस करूंगा क्या उसके बदले में एक से वो पैसा आज डिमांड कर सकता बच्चे बोलो ना इन शॉर्ट अगर फर्म को क्योंकि बिल तो तीन महीने का है अगर फर्म को अचानक आज पैसे की रिक्वायरमेंट आ जाए तीन महीने के पहले तो क्या फर्म पैसा डिमांड कर सकता है नहीं कर सकता कानून इसको अलाउ नहीं करता बच्चे कानून ने कहा है कि अगर आपने एग्रीमेंट तीन महीने का किया है तो तीन महीने के पहले आप इनसे पैसा डिमांड नहीं कर सकते अब देखो ना अजीब स्थिति क्रिएट हो गई पैसा इनको अर्जेंट चाहिए लेकिन वो इनसे पैसा मांग नहीं सकते क्योंकि एग्रीमेंट महीने का आपका हो चुका है अब बेचारा फर्म क्या करे? इस कागज बैंक। और बैंक में जाके बोलेगा कि बैंक भैया बैंक भैया मेरे पास दो लाख का एक बिल पड़ा हुआ है ऐसे तो बिल तीन महीने का है लेकिन इस बिल को मैं आज ही आपको बेचना चाहता हूं मैं वेट नहीं कर सकता मुझे पैसे की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है आप एक काम करो ये बिल मुझसे परचेज कर लो हां आप डिविडेंट पे इनसे पैसा मांगने जाना और एक क्या करेगा आपको पैसा पे कर देगा क्यों पे कर देगा क्योंकि मेरे बच्चे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखा हुआ है कि बिल्स रिसवेबल जो है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और ये जो भी बिल लेकर इनके पास जाएगा जो भी जाएगा चाहे वो फर्म ये चाहे कोई भी एक्स को उसको पैसा पे करना होगा एक्स बिल्कुल भी नहीं पूछेगा कि आपके पास बिल कहां से आया ये अधिकार उसके पास नहीं बचे हमारे कानून कहता है कि जो भी बिल आपके पास लेकर आएगा आपको पेमेंट करना पड़ेगा तो जरा सुनना ध्यान से यहां पे क्या हुआ डी ने सी बैंक को कहा कि देखो जी दो लाख का बिल हमसे ले लो और आप जाके उनसे पैसा ले लेना आज मुझे पैसा दे दो आज मुझे पैसा दे दो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है हाँ जो चार्जेज आपके बनेंगे मैं वो देने को तैयार हूं है ना बच्चे क्योंकि बैंक को तो पैसा तीन महीने के बाद मिलेगा और पैसा आज ले रहे हो तो बैंक तो कुछ चार्ज कर देगा तो बैंक ने कहा कि ठीक है मैं आपसे ये बिल परचेज करने को तैयार हूं मैं इस बिल पे डिस्काउंट चार्ज काटूंगा डिस्काउंट चार्ज जो काटूंगा वो कहता है कि मान लो आपका ट्वेल्व परसेंट पर एन के हिसाब से वो कहता है कि बारह परसेंट के हिसाब से चार्ज करूंगा तो फर्म कहता है कि डन कोई दिक्कत नहीं है आप बारह के हिसाब से तीन महीने का चार्ज काट लो मुझे पैसा दे दो मेरे बच्चे अगर फर्म ने ये बिल एच डी एफ सी बैंक को बेच दिया बेच दिया तो मेरे बच्चे बिल बेचना ही कहा जाता है बिल डिस्काउंटेड बिल डिस्काउंट कर लिया मतलब बिल बेच दिया वही हमारा टॉपिक था देखो जरा इफ बिल इज डिस्काउंटेड बिल डिस्काउंट मतलब बैंक को बेच दिया और ड्यूडेट पे ऑनर आपका हो जाएगा खैर मैं मेन मुद्दे पर आता हूं पहली एंट्री दूसरी अब तीसरी एंट्री देखो क्या निकल गया तीसरी एंट्री मेरी बात समझना देखो ये बिल जो बैंक के पास फर्म के पास था ना बच्चे इस बिल को फर्म ने क्या किया एच डी एफ सी बैंक को बेच दिया तो था दिख रहा था चला जाएगा हमने बेच दिया जब ये एसेट्स बेच दिया तो अब हमारे बुक में कैसे दिख सकता है जो डेबिट था उसको क्रेडिट किया मतलब हमने हटा दिया इसके बदले में बैंक को चार्जेस काटेगा और बाकी पैसा आपको दे देगा लेकिन जो पैसा देगा ना बैंक इस बात को ध्यान से सुनना मेरी बात ध्यान सुनना जो पैसा बैंक देगा वो बैंक कभी भी आपको कैश में नहीं देता कैश में नहीं ना 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 कैश में नहीं दूंगा जितना भी चार्ज है उसको काट के बाकी पैसा मैं आपके अकाउंट में जमा कर दूंगा आपके अकाउंट में जमा कर दूंगा क्योंकि अगर मान लो मैंने कैश आपको दे दिया तो मेरे पास तो कोई प्रोफिट नहीं कि मैंने आपको पैसा दिया है तो ये बैंक क्या करेगा बच्चे इनके अकाउंट में पैसा जमा कर देगा देखो ना अब क्या होने वाला है कुछ चार्जेस कर, कर पैसा हमें मिल जाएगा तो हमारा यानी कि फर्म का बैंक अकाउंट जो है ना वो बढ़ जाएगा बैंक अकाउंट जो एक एसेट्स होता है आप जानते हैं एसेट्स का बढ़ना डेबिट होता है बच्चे बैंक डेबिट करेंगे और हाँ बैंक ने कुछ चार्जेज काटे होंगे जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट चार्ज जरा बताओ बैंक जो डिस्काउंट चार्ज काटेगा वो फर्म का एक्सपेंस होगा कि इनकम होगा बताओ बैंक ने जो चार्जेस काटा इनसे वो इनका एक्सपेंस है कि इनकम है सर एक्सपेंस expense है एक्सपेंसिज बढ़ने हमेशा डेबिट करते हैं आप इस बात को जानते हैं तो मैंने डेबिट में क्या लिख दिया जी डिस्काउंट अकाउंट आपका डेबिट ठीक है ना आप जरा देखते हैं कि हमें पैसा कितना मिलेगा डिस्काउंट कितना कर देगा तो मैं डिस्काउंट की वर्किंग आपको यहीं दिखा देता हूं डिस्काउंट की वर्किंग जरा बताओ बिल कितने का है सर दो लाख का लीजिए दो लाख

बताओ बिल जो है बैंक के पास क्या एक साल रहेगा बोलो ना क्या बिल बैंक के पास एक साल रहेगा नहीं सर तीन महीने रहेगा तो ठीक है हमने कहा कि यार ये ट्वेंटी फोर थाउजेंड जो है वो तो एक साल का है बारह महीने का है तो मैं इसको बारह महीने से डिवाइड कर देता हूं जरा बताओ अगर ट्वेंटी फोर थाउजेंड एक साल का है मतलब बारह महीने का तो हमने बारह से डिवाइड कर दिया अब बताओ कि कितने महीने का आ गया सर एक साल का अमाउंट अगर बारह महीने से डिवाइड करो तो एक महीने का आ गया हमें निकालना कितने महीने का है तीन तो आप तीन से क्या करो इसको मल्टीप्लाई कर दो थ्री मंथ्स का आ जाएगा कितना अमाउंट हो गया जी सिक्स थाउजेंड ये लीजिए टू लैक्स में बैंक ने सिक्स थाउजेंड चार्जेस काटे होंगे और मेरे बच्चे वन लैक नाइन्टी फोर थाउजेंड आपको यहां पे दे दिया होगा बैंक ने क्या क्या होगा दो लाख का बिल आपसे ले लिया बोला कि ठीक है जी इस बिल से हम जाके पैसा कलेक्ट कर लेंगे और उसके बदले में आज ही आज ही जिस दिन आपने बिल लिखा था उसी दिन क्या हुआ जी आपने डिस्काउंट किया तो वन कैश मिल गया 6000 का ऊपर डिस्काउंट कट गया बात आ रही है सरहान जी अच्छा अब मेरी बात सुनना ध्यान से फोर्थ एंट्री जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये दिखा रहा हूं ड्यू डेट का ड्यू डेट मतलब तीन महीने के बाद मेरी बात सुनना ड्यूडेट का क्या होता है एग्जैक्टली exactly उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा चिंता नहीं करना अभी जितना बोलना उतना ही दिमाग में फोकस कीजिए चैप्टर खत्म सब कुछ खत्म हो जाएगा ये देखो जनाब बताओ फर्म के पास क्या बिल रहा क्या नहीं सर फर्म ने बिल बेच दिया है ये बिल किसका हो चुका है जी बैंक का हो चुका है इनका बिल खत्म ये पैसा ले चुके हैं बताओ ड्यूडेट पे एक से पैसा मांगने कौन जाएगा सर बैंक जाएगा बैंक ने जरा बताओ एक से कितना कलेक्ट किया होगा सर दो लाख दो लाख का बिल था दो लाख मिला होगा सिर्फ इतना बताओ कि जो दो लाख रुपए एक से बैंक लेकर आया होगा क्या बैंक वो पैसा फर्म को दे देगा बच्चे बोलो ना जो हमने इनसे पैसा दो लाख रुपए रिसीव किया है क्या वो पैसा अब मैं ड्यूरेट पे इनको दे दूंगा नहीं सर ना ना ना, ना. अरे वो पैसा बैंक का हो चुका है बैंक तो पहले ही आपको पैसा दे चुका है दोबारा थोड़े देगा वो तो उसका पैसा हो जाएगा यानी कि ड्यू डेट पे जरा बताओ कि क्या मेरे अकाउंट्स में कोई चेंज आएगा कुछ नहीं आएगा बिल मैं पहले बेच चुका हूं पैसा ले चुका हूं अब ये दोनों आपस में देखे क्योंकि इनसे पैसा कलेक्ट होगा तो ये रखेंगे हमें थोड़े देंगे यानी कि मेरे बच्चे ड्यू डेट पर यहां पर निकल के आएगा नो एंट्री हमें कोई एंट्री पास नहीं करना हमने तो बिल बेच दिया था जब हमने बिल बेच दिया तो हम फिर एंट्री क्यों करेंगे जब हमें कोई मतलब ही नहीं बनता आपका एंट्री तब पास करता हूं जब मेरे अकाउंट्स में कुछ हलचल आएंगी कुछ चेंजेज आएंगे यहां कोई चेंज ही नहीं आना पहले बिल भेज दिया तो फिर कहां से कोई एंट्री बनेगा आप प्लीज कॉपी करें यहां पे चार एंट्री फिर यहां नो एंट्री लिखा क्या एग्जाम में लिखेंगे ड्यू रेट पर नो एंट्री हाँ बच्चे लिख देना क्या जाता है ना लिखो तो भी काम चल जाएगा लेकिन लिख देना कि मुझे पता है भैया कि चौथी एंट्री यहां पे कोई एंट्री नहीं है ड्यूडेट पे आपका अच्छा सर देखो हमने दो केस करा दिए अब ध्यान दो पहले वाले केस में बिल एज ए, फर्म ने अपने पास रखा था बच्चे और उसने क्या किया ड्यूडेट पर जाके खुद पैसा कलेक्ट किया इस सेकेंड केस में क्या देख रहे हैं आप कि बिल जो हमने बैंक से डिस्काउंट कराया अगर एक कोई साधारण इंसान जो आपका अकाउंट्स नहीं जानता अगर वो आपसे पूछ दे कि यार बिल डिस्काउंट करने का क्या मतलब होता है तो सिंपल शब्दों में कह देना कि बिल बैंक को बेच देना क्योंकि बिल हमने पहले भेज दिया कुछ पैसे डिस्काउंट चार्ज बैंक काटेगा और बाकी पैसा हमें देगा तो उसी को बोलते बच्चे बिल डिस्काउंट यानी कि बिल बेच देना अरे एक मिनट एक मिनट मैंने तो क्वेश्चन नहीं पढ़ा पता नहीं आज क्या हो गया बहुत जल्दी बढ़ने बन, का मन कर रहा है मन करता है कि सब एक ही बार आपको समझा दो जरा देखो ना क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है पढ़ो जरा बुक का क्वेश्चन नंबर टू पढ़ेंगे मेरे साथ मेरे साथ पढ़ेंगे मेरे साथ पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर टू कहता है कि फर्म सोल्ड गुड्स टू एक्स फोर लैक्स एंड रिसीव्ड हिज एक्सेप्टेंस पेबल आफ्टर थ्री मंथस कहता है बिल वॉज डिस्काउंटेड बाई द फॉर्म एट द रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट पर एन एम ऑन द ड्यूडेट कहता है बिल वॉज मेट बिल मेट हो गया इसी को तो एंट्री कराया बच्चे आपको सर हां जी सर हां जी ये तो ठीक है तो जरा देखो मैं केस नंबर टू भी हटाता हूं अब मैं आता हूं बच्चे केस नंबर थ्री के पास केस नंबर थ्री बिल्कुल भी आगे पीछे भी आपको ईफ और नहीं सोचना जितने सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सवाल मेरे भी दिमाग में चलेंगे और मैं उनको खत्म करके ही चैप्टर खत्म करूंगा आप चिंता नहीं करना तो अभी आपको सिर्फ मेरे साथ चलना है कोई भी दिमाग में इफ और नहीं आना चाहिए आओ जरा अब हम आते हैं केस नंबर थ्री थर्ड केस के अंदर में ये केस का नाम है लिखे इफ बिल इज इंडोर्स्ड इंडोर्स्ड ई एन डी ओ आर एस सी डी इंडोर्स्ड एंड एंड ऑनर्ड ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट सर इसका क्या मतलब होता है अभी बताऊंगा लिख दो पहले यहां पे. बिल हमने क्या किया इंडोर्स किया है इंडोर्स किया और फिर मेट हो गया इंडोर्समेंट का मतलब क्या मैं आपको यहां दिखाऊं ये जो डायग्राम बना रहा हूं आपकी मर्जी बनाओ चाहे ना बनाओ क्योंकि सब में सेम बनाऊंगा समझाने के लिए रिविजन में ऐसे आपको हेल्प करेगा ध्यान सुनना जरा बताओ फर्म ने गुड्स किस बेचा था सर एक्स को कितने का टू लैक्स का दो लाख का ठीक है मुझे बताओ एक्चुअली मैं क्या करूं बच्चे इसमें सोल्यूशन करा रहा हूं बुक का क्वेश्चन नंबर थ्री का जो आपको बुक में भी देखना नहीं है मैं उसी क्वेश्चन को पहले वहां पे दिमाग में बैठा रहा हूं आपका क्वेश्चन नंबर थ्री में कहता है कि फर्म ने गुड्स बेचा अच्छा एंट्रीज किसके बुक में हम लोग आज सीख रहे हैं सर इन द बुक ऑफ फर्म फर्म यानी कि ड्रोवर ड्रोविंग के बुक में हम आज एंट्री नहीं सीख रहे बच्चे हम अलग से उसको सीखेंगे आज पहले हम इसको देखे ड्रोवर के बुक में क्या होगा सुनिए मेरी बात ध्यान से फर्म ने गुड्स एक्स को बेचा अब बताओ तो फर्म ने जब गुड्स एक्स को बेचा तो पहली एंट्री क्या बन गया यहां पे सर एक्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट बताओ कितने के गुड्स बेचा हमने टू लैक्स का एंड टू लैक्स का ये लीजिए दो लाख का गुड्स बिक गया आपका ठीक है ना सर हां अगली एंट्री में आपको दिखा रहा हूं अगली एंट्री में क्या हो बचे कि फर्म ने जो गुड्स बेचा था बताओ फर्म ने एक्स से क्या रिसीव किया था सर बी आर कितने का था वो टू लैक्स का तो मैं अगली एंट्री में क्या करूंगा कि एक्स के नाम को हटा दूंगा अपने बुक से हमेशा हमेशा के लिए एक्स को और अब जो मैं एसेट्स अपना दिखाऊंगा उसका नाम क्या है बिल्स रिसिवेबल शॉर्ट में बीआर कह देंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता मीनिंग सेम आपका है ये लीजिए हमने क्या किया जी आपका बी आर टू एक्स आपका कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर अब सी यानी कि थर्ड एंट्री जो होगा उसको समझने के पहले मेरी बात ध्यान सुनना जो एक कहानी सुनाना चाहता हूं अगर वो समझ में आ गया तो फिर बात बन गई देखो वो कहानी क्या है देखो मैं इस फर्म के हिस्ट्री में जाना चाहता हूं इतिहास में बहुत समय पहले की बात है एक आदमी था जिसका नाम था मिस्टर सी पर इस सी ने क्या किया था फर्म को बहुत पहले बहुत पहले एक कर्ज दिया था जो कर्ज था दो लाख रुपए का यह बहुत पहले की बात है कि फर्म ने क्या किया था सी को एक फर्म ने क्या किया था सी से एक कर्ज लिया था बच्चे फर्म ने कर्ज लिया था मतलब सी जो है ना वो फर्म का क्या है क्रेडिटर क्रेडिटर का मतलब क्या मेरी लाइब्रिटी है कर्ज लिया था बहुत पहले पता क्या होता था आज के पहले ये सी फर्म से पैसा मांगने जब आता था तो फर्म कहता था कि पैसे मेरे पास है नहीं मैं कहां से पे करूं बेचारा सी वापस चला जाता था बहुत सीधा इंसान है बहुत सीधा इंसान सी फिर कभी आया था पैसा मांगने कि पैसे दे दो बोला कि पैसे है नहीं कहां से दूंगा फिर सी आया था पैसा पैसे दो बोला कि पैसे नहीं कहां से दूंगा मतलब ये बहुत बार हुआ बच्चे आज हद हो गई है हद सी इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि अगर आज या तो मुझे पैसा मिलेगा या फिर मैं फर्म का खून करूंगा बस एक ही काम करने वाला सी आया और आके सीधे फर्म का पकड़ लिया कॉलर कहा कि आज तुम्हें मुझे पैसा देना ही पड़ेगा अगर तुमने आज मेरा पैसा नहीं दिया अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो आज खून खराबा होगा और कुछ भी नहीं होने वाला इस बात से क्या हुआ फर्म डर गया बोला कि ना ना ऐसा ना करो लेकिन उसने कहा कि मैं भी मजबूर हूं मैं करूं तो क्या करूं पैसे मेरे पास नहीं है पैसे मेरे पास नहीं है सी ने कहा कि आज तो मैं पैसा लेकर ही जाऊंगा तो पता है फिर क्या हुआ फर्म ने कहा कि देखो कसम खा रहा हूं सच्चे पैसे मेरे पास नहीं है लेकिन हाँ मेरे पास एक बिल पड़ा हुआ है दो लाख रुपए का बिल जो हमने इनसे लिया था और इन्होंने कमिट किया है लिख कर कि तीन महीने के बाद क्या करेंगे जी हम आपका पेमेंट कर देंगे तो देखो मैं आपका पैसा तो अभी नहीं दे पाऊंगा लेकिन एक बिल है आप चाहो तो ये बिल मैं आपको देने को तैयार हूं आपके इस टू लैक्स के कर्ज के बदले में मैं आपको ये बिल देने को तैयार हूं दो लाख का इस कर्ज के बदले में आप मुझसे आज बिल ले लो तीन महीने के बाद आप इस बिल को लेकर एक्स के पास जाना पैसा मांगना एक्स पैसा पे कर देगा क्योंकि कानून कहता है कि जो भी इस बिल को होल्ड करेगा डिविडेड पे उसको क्या होगा जी एक्स पैसा पे कर देगा वो क्वेश्चन रेज नहीं करेगा तो सी कहता है कि ठीक है मुझे आप ये बिल दे दो मैं जाके उनसे पैसा ले लूंगा मेरे बच्चे ध्यान सुनना अगर फर्म ने ये बिल सी को दिया अपने कर्ज के बदले में कर्ज के बदले में इसी को बोलते हैं बिल को इंडोर्स करना इंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब होता है कि अपने कर्ज यानी कि पेमेंट के बदले में मैंने क्या क्या, आपको बिल बिल दे दिया 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 तो हमने क्या किया सी को इंडोर्स इंडोर्स कर दिया, कर दिया। सुनो ना ध्यान से थर्ड एंट्री क्या होने वाला है जब मैंने ये बिल सी को दे दिया पेमेंट के बदले में तो यहां पे क्या होगा मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो देखो बिल जो मेरे पास था ना बच्चे बी आर अब वो तो चला जाएगा क्योंकि मेरे पास से चला गया तो जो डेबिट में था हमने क्या-क्या क्रेडिट कर दिया जरा बताओ बीआर कितने से क्रेडिट आपका हो गया 2 लाख से आपका दो लाख रुपए से आपका दो लाख का बिल चला गया और मुझे बताओ कि कौन सी लायबिलिटी खत्म हो गई जी फिर सी की तो आप क्या करना लायबिलिटी जब कम होता है तो बच्चे हम डेबिट करते हैं सी अकाउंट यहां पे डेबिट हो जाएगा कितने से जी आपका 2 लाख से बिल हमारे पास से चला गया और क्या हुआ जी सी कि आपके लाइब्रेटरी खत्म हो गई दो लाख से एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया लिख दो इसका नरेशन आपका यहां पे बींग बींग बी आर यानी कि बिल इंडोर्स्ड हमने क्या किया बिल इंडोर्स कर दिया किसको जी टू सी टू सी है ना हमने बिल सी को इंडोर्स कर दिया मेरी बात समझ में आ रही है कुछ भी नहीं इस चैप्टर के अंदर में पहले में हमने गुड्स बेचा दूसरे में बिल रिसीव किया तीसरे में ये बिल हमने क्या किया जी सी को दे दिया पेमेंट के बदले में अगर आप मुझसे पूछना चाहो कि सर एक बार अल्टीमेट इंपैक्ट समझाओ ना इसका अल्टीमेट इंपैक्ट क्या हुआ तो मैं आपको समझा दू ये देखो जरा आपका यहां देखो अच्छा एक मिनट एक मिनट अल्टीमेट इंपैक्ट के पहले पहले मैं अगली एंट्री बता दू यहां पे ड्यू डेट पे क्या होगा ड्यू डेट पे आपका जरा आप मुझे बताओ आप ही बताओ कि ड्यू डेट पे एक से पैसा मांगने कौन जाएगा सर सी जाएगा सी ने जब एक से पैसा कलेक्ट किया होगा तो जरा बताओ सी वो पैसा अपने पास रखेगा या फर्म को वापस कर देगा सर अपने पास रखेगा फर्म को क्यों देगा फर्म को क्यों देगा सर तो चलो बताओ कि अगर इसने पैसा अपने पास रख लिया तो क्या इनके अकाउंट्स में कोई हलचल हुई बच्चे कुछ इनके अकाउंट्स में चेंज होगा नहीं होगा अब तो इन्होंने जब बिल इनको दे दिया तो इनको तो कोई मतलब ही नहीं है इनके अकाउंट में कोई चेंज नहीं होगा तो मेरे बच्चे ड्यू डेट पे इनके बुक में क्या होगा नो एंट्री ध्यान दीजिए हम किसके बुक में एंट्री सीख रहे हैं ड्रोवर के बुक में तो कोई एंट्री यहां पास नहीं होगा कोई एंट्री पास नहीं होगा अब प्लीज कॉपी कर ले इसको कॉपी कर ले जल्दी से कॉपी करेंगे आप इसको कॉपी करेंगे सर हो गया सर हो गया सर आपने इनका नरेशन क्यों नहीं लिखा लिखा लिखाया था, था क्वेश्चन नंबर वन में बार बार क्या लिखाना वो ये चीज़ आप बड़े बच्चे हैं समझदार हैं जो नई एंट्री आ रहा है उसको लिखा दे रहा हूँ है ना नई एंट्री को लिखा दे रहा हूँ आपका अच्छा मेरा मन ना बहुत बहुत व्याकुल है बच्चे मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ कि इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या हुआ अल्टीमेट इम्पैक्ट फॉर्म के बुक में ये देखिए आप अल्टीमेट इम्पैक्ट एक्स जो हमारा डेबिट था और क्रेडिट था वो कैंसिल हो गया जो बिल्स रिसिवेबल हमारे पास आए थे वो भी हमारे पास से चले गए तो देखो तो अल्टीमेटली तो क्या हुआ कि टू लैक्स का हमने सेल किया है और जितना सेल किया उतने से मेरी लाइब्रेटी भी खत्म हो गई क्योंकि सेल का जो पैसा था हमने सी को दे दिया है ना तो अल्टीमेट इंपैक्ट क्या निकल आया बच्चे दो लाख का सेल किया और पहले से जो टू लैक्स की लाइब्रेटी थी उसका मैंने पेमेंट कर दिया वो कर्ज खत्म हो गया आपका मेरी बात समझ में आ रही है सर हां जी सर हाँ जी आई बात समझ में सर एक काम करोगे बोलो ना क्या आप जो बोलो वो करने को तैयार हूं आप जो बोलोगे वो करने को तैयार हूं सर इस केस नंबर थ्री के अंदर में एक क्वेश्चन और करा दो ना चलो फिर ठीक है मान लिया आपकी बात आप जो कहोगे वो करने को तैयार हूं मैं एक काम करता हूं आपने आप कहा कि सर एक क्वेश्चन करा दो तो लो मैं पहले केस नंबर क्वेश्चन नंबर थ्री हटाता हूं और सेम केस के अंदर में सेम केस केस नंबर थ्री के अंदर में बच्चे मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन कराता हूं फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ हेलो बच्चों कैसे हैं आप रेगुलर क्लासेस रिवीजन लेक्चर और जितने भी मेरे टेस्ट हैं आप बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन मेरे बच्चे मेरा सपना सिर्फ और सिर्फ आपको ही पढ़ाना नहीं है मैं चाहता हूं कि इंडिया का एक एक बच्चा जो कॉमर्स के अंदर में है जो कॉमर्स को सिलेक्ट किया है या जो चूज करने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ संतोष सर के अकाउंट्स को पढ़े सच बोल रहा हूँ मैं खुल के बोल रहा हूँ यही मेरा सपना है और इस सपने को मेरे बच्चे मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता जो क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को चाहिए इलेवेंथ क्लास ट्वेल्व क्लास में इवन एट जीरो कॉस्ट आप जानते हैं कि मैं कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहा ये जीरो कॉस्ट में अगर दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है तो इसकी जिम्मेदारी मुझे अपने साथ साथ मुझे अपने बच्चों यानी कि आप पे करने पड़ेगी। और आपको भी पड़ेगी। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके जितने भी रिलेटिव हैं मैं नहीं जानता कैसे लेकिन सबके पास ये बात पहुंचाना पड़ेगा कि संतोष सर की क्लासेज बिल्कुल फ्री है आप उनको पढ़े और पढ़ के एग्जाम को प्रॉपर तरीके से दें किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है उनको बताना होगा कि आप संतोष सर के चैनल पर आए और इलेवेन्थ क्लास की एक एक क्लास को प्रॉपर तरीके स्टडी करें आपको ये करना पड़ेगा करना पड़ेगा और करना पड़ेगा ये ये करना पड़ेगा मेरे बच्चे ऑल द बेस्ट थैंक यू क्वेश्चन करते हैं लेकिन ठहरो ठहरो ज़रा आज क्यों इतना जल्दाजी है क्यों हमारी जल्दाजी है एक बार जो क्वेश्चन नंबर मैंने कराया ये एक बार क्वेश्चन पढ़ ले क्या बुक में क्वेश्चन क्या बोलता है ऐसे कोई जरूरत है नहीं पर फिर भी पढ़ लो कोई बात नहीं देखो क्वेश्चन थ्री क्या बता रहा है बेचा था दो लाख रुपए का, का। रिसीव्ड हिज एक्सेप्टेंस आफ्टर तो थ्री मंथ ठीक है बिल तीन महीने का है फर्म इंडोर्स्ड हिज एक्सेप्टेंस टू सी अ क्रेटर फॉर टू लैक्स कहता है कि फर्म ने बिल इंडोर्स किया था सी को जो क्रिएटर कितने का है टू लैक्स का बोलता है ऑन द ड्यूडेट बिल वॉज मेट ड्यूडेट पे जब सी इनके पास गया तो पैसा इसने पे कर दिया तो यानी तो कि पैसा कलेक्ट हो चुका है. है ना उसका एंट्री हो चुका आई बात समझ में सर हाँ सर एक बात बताओ सी अगर इनसे पैसा मांगने गया और मान लो एक्स ने पैसा पे करने से मना किया तो फिर क्या होगा मेरे बच्चे वो होते हैं केस ऑफ डिसऑनर्ड उंड हो जाना वो भी आगे आएगा चिंता नहीं करो सब पढ़ाऊंगा सब पेशेंस वाइज मेरी बात सुनते चलो मैं एक समुद्र में आपको धीरे धीरे लेकर चल रहा हूं धीरे धीरे समुद्र में अभी आपको किनारे पे मैं सिखा रहा हूं तैरना कैसे है तो आई जरा अब मैं केस नंबर थ्री के क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में फिर पढ़ लें फोर्थ क्वेश्चन ना नहीं पढ़ना फोर्थ क्वेश्चन अभी ना पढ़ो पहले आप मेरे साथ यहाँ देखो मैं क्या लिख रहा हूं जब ये बात समझ में आ जाएगी तो मैं फोर्थ क्वेश्चन को वहां पर आपको करा दूंगा देखो फोर्थ में क्वेश्चन क्या है बुक में मैं आपको दिखाता हूं पढ़ना नहीं आपने पढ़ना नहीं मेरे साथ पढ़ना है बस फॉर्म ने गुड्स किसको को भेजा था जी एक्स को मेरे बच्चे इंडोर्समेंट के अंदर ही अगला क्वेश्चन करा रहा हो सेम केस के अंदर में थोड़ा और अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा फॉर्म ने गुड्स भेजा था एक्स को कितने का टू लैक्स का फॉर्म ने जरा बताओ क्या रिसीव किया था आपसे सर बी आर कितने का टू लैक्स का पहले यहां तक ही एंट्री कर लें फोर्थ में नंबर वन पहला एंट्री गुड्स बेचा तो हमने क्या बोला एक्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट एक्स टू सेल्स बोलो मैं कितने का सेल किया था सर टू लैक्स तो दो लाख रुपए का गुड्स जो आपने सेल किया था उसकी एंट्री बन गई फिर देखो आपने एक से क्या रिसीव किया था सर बी आर तो आप एक काम करो एक्स के नाम को हटाओ डेबिट से हटाने के लिए हमें क्या करना होगा सर क्रेडिट टू लैक्स और कहो ना मैं किसके नाम को डेबिट करूं तो सर बिल्स रिसिवेबल अकाउंट ये लीजिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू लैक्स टू आपकाउंट एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई इसमें कोई डाउट तो नहीं नहीं सर पहले एंट्री गुड्स को बेचने का दूसरी एंट्री में, क्या -क्या? में समझा दो उसके बाद बात करूंगा नजर यहां 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 बदमाश इधर देखो यहां पर पहले समझो यहां पे बहुत पहले की बात है एक आदमी था मिस्टर सी फर्म ने सी से टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड का कर्ज लिया था बच्चे मतलब सी कौन है जी क्रेडिटर है हम जिससे कर्ज लेते हैं हमने जिससे कर्ज लिया वो हमारी लाइब्रेटरी होता है हम उसको क्रेडिटर कहते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में सी का कर्ज दो लाख रुपए था इस पर कितना हो गया टू ट्वेंटी का अमाउंट अब समझ लो मेरी बात सर हाँ देखो ना आज हद हो गया है मैंने बताया था कहानी पहले वाला और सी गुस्से में आया और फर्म को बोला कि फर्म तुम्हें मेरा आज पैसा पे करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए पेमेंट करना ही पड़ेगा अदरवाइज क्या से क्या करूंगा तुम्हें भी नहीं पता तो इसमें फर्म ने कहा कि देखो पैसे तो मेरे पास नहीं है सच्ची बता रहा हूं कसम खा रहा हूं पैसे नहीं है लेकिन हां मेरे पास एक दो लाख का बिल है ये बिल मैं आपको देने को तैयार हूं आप चाहो तो अपने कर्ज के बदले में आप मुझसे बिल ले लो आप ड्यू डेट पे जाना एक से पैसा मांगना एक सबको पैसा पे कर देगा सी ने कहा कि यार कर्ज तो मेरा दो लाख बीस हजार रुपए का है ध्यान से मेरी बात सुनना कर्ज मेरा टू ट्वेंटी टू का है और आप मुझे टू लैक्स का बिल दे रहे हो तो टू, टू ट्वेंटी में मुझे टू लैक्स का ही तो पेमेंट मिला बाकी ट्वेंटी थाउजेंड का क्या होगा बाकी बीस हजार का क्या होगा तो देखो फर्म ने क्या किया हाथ जोड़ लिया बोला कि माफ कर दो अब कुछ ना मांगना मुझसे बस खत्म हो गई बात मैं आपको इस दो लाख बीस हजार के बदले में दो लाख का पेमेंट कर रहा हूं मतलब अब आगे कुछ नहीं पे करूंगा पर बच्चे ध्यान से एक शब्द को सुनना एक शब्द को जब फर्म ने टू लैक्स का बिल देकर और पूरे टू ट्वेंटी का कर्ज माफ करा लिया मतलब पूरे के पे बदले में तो कहते हैं कि जो पेमेंट किया गया है वो किया गया है इन फुल सेटलमेंट इन फुल सेटलमेंट मेरी बात ध्यान सुनना फुल सेटलमेंट का मतलब होता है फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि टू लैक ट्वेंटी के बदले में टू लैक्स का पेमेंट किया गया मतलब एक तरीके से बीस हजार रुपए की आपको क्या मिल गया डिस्काउंट मिल गया माफी मिल गई फुल सेटलमेंट का मतलब मैंने बताया और जरा मैं आपको दिखाऊं इसकी अब एंट्री क्या बनेगी सुनो मेरी बात मेरी बात सुनो मुझे बताइए कि फर्म के पास से बिल कितने का चला गया टू लैख्स का तो जो डेबिट था ना बच्चे उससे मैं क्या करूंगा क्रेडिट कर दूंगा लीजिए फर्म के पास से दो लाख का बिल चला गया लेकिन मुझे कोई बताएगा कि फर्म के ऊपर से जो सी का लाइबिलिटी है लायबिलिटी वो कितने से कम सर, तो पूरे टू ट्वेंटी से खत्म हो गया है ना सी का कर्ज जो है बच्चे पूरे टू ट्वेंटी से खत्म हो गया समझ लो मेरी बात क्योंकि इन फुल सेटलमेंट यानी कि टू ट्वेंटी के बदले में टू लैक्स का हमने पेमेंट किया है तो ज्यादा बताओ ना 220 से खत्म हो गई दो लाख का बिल चला गया मुझे बताओ कि ट्वेंटी थाउजेंड जो बीस हजार फर्म ने कम पेमेंट किया है जो कम पेमेंट किया वो फर्म का एक्सपेंस है इनकम है बताओ फर्म का एक्सपेंस है इनकम है सिर्फ फर्म का वो इनकम है।, है फायदा हो गया ना बच्चे अरे दो बीस के बदले में दो लाख का पेमेंट किया तो फर्म को तो फायदा हो गया तो फर्म को जो फायदा हो गया वो इनकम है डिस्काउंट और इनकम का बढ़ना हमेशा क्रेड करते हैं हमने बचपन से बढ़ा हुआ है तो डिस्काउंट अकाउंट हमने क्या किया ट्वेंटी थाउजेंड से यहां पे दिखा दिया बात समझ में दिक्कत ना हो इससे मैं दे देता हूं नरेशन आपका लिखिए बीइंग बी आर इंडोर्स्ड इंडोर्स्ड टू सी इन फुल सेटलमेंट फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि पूरे कर्ज के बदले में हमने क्या किया जी आपको यहां बिल दे दिया तो पहले गुड्स बेचा दूसरा हमने बिल दिया तीसरा क्या जी सी टू बी आर टू डिस्काउंट अकाउंट आपका ठीक है ना अब फोर्थ एंट्री पे आता हूं जरा सुनो ड्यू डेट पे क्या होगा ड्यू डेट पे क्या होगा मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अब ड्यू डेट पे एक से पैसा मांगने कौन जाएगा सिर्फ सी जाएगा अब एक सी को पैसा पे कर दिया क्योंकि के यहां कहता है जी ऑनर्ड हो चुका है पेमेंट हो चुका है क्या सी इनको पैसा देगा नहीं सर पैसा अपने पास रखेगा तो बताओ जरा फर्म के बुक में क्या हलचल होगा ड्यू डेट पे सर नो एंट्री जब हमने बिल पहले ही आपको दे दिया तो बिल का पैसा आपने रखना जी मुझे थोड़ा मिलना हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे सर हाँ सर हाँ समझ में आ रही है प्लीज कॉपी करें इसको आपका सर इस केस में एक क्वेश्चन और करा दो ना सर एक क्वेश्चन करा दो सर मजा आ जाएगा तो चलो मैं आपकी बात सुनता हूं मैंने कहा ना मेरा जन्म ही आपके लिए हुआ है लो मैं इसको मिटाता हूं और एक क्वेश्चन और इसी केस में कराता हूं लो मैं इस क्वेश्चन को मिटाता हूं और अगला क्वेश्चन इसी केस में कराता हूं आप एक काम करो ओहो oh, फिर से फिर से वही बात जरा आ जाओ बुक का क्वेश्चन फोर्थ पढ़ना अभी यह है ना यही फोर्थ क्वेश्चन है सुनो जरा क्या बोल रहा है बुक में आइए बुक में फटाफट देखिए कि यही क्वेश्चन कुछ अलग से आपका है पढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन फर्म सोल्ड गुड्स टू एक्स फोर बीच टू लैक्स

हमने क्या किया आपका क्वेश्चन फोर्थ करा दिया क्योंकि आपने डिमांड किया तो ऑन डिमांड मैं काम करूंगा इसी केस में एक क्वेश्चन और कराऊंगा आप डिमांड ना करते तो भी मैं कराता क्योंकि मेरे बच्चे इस केस को समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन और बनाया है सोलूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव सर पढ़ ले ना ना आप यहां देखो आप यहां देखो पढ़ना नहीं है आपको जरा बताओ फॉर्म ने गुड्स किसको भेजा था सर एक्स को अब तो सर नींद भी आ रही है उसको सुनकर लिखो तो आपके लिए करा रहा हूं अच्छा बताओ फॉर्म ने क्या रिसीव किया था बी आर कितने का था टू लैक्स का ठीक है तो पहले इसकी एंट्री पास कर ले हम लोग लिखे जरा नंबर वन पहली एंट्री एक्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट बताओ ना कितने का अमाउंट है सर टू लैक्स का दो लाख दो लाख रुपए आपका गुड्स बेचने की एंट्री होगी मुझे बताइए अगली एंट्री यहां पे बिल्स रिसीव करने का क्या होगा तो सर बी आर अकाउंट डेबिटेड बी आर अकाउंट डेबिटेड टू एक्स अकाउंट अब ये एंट्री आप मुझसे दोबारा ना पूछो कि सर समझा दो पहले मैं कितने सारे क्वेश्चन में आपको समझा चुका हूं आगे आते हैं ध्यान दो अब थर्ड एंट्री यहां पे क्या होने वाला है मेरे बच्चे यहां पे यहां पे मिस्टर सी जिसने कर्ज कभी दिया था फॉर्म को वो मान लो टू ट्वेंटी का था जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था इस पर चेंज क्या आएगा लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा मैं जरा सुनना ड्यूरेट पर सॉरी यहां पे क्या हुआ बच्चे सी को गुस्सा आया और एक फॉर्म से आया पैसा मांगने कि फर्म मेरा पेमेंट करो फर्म ने कहा कि देखो जी मैं आपको लाख का पेमेंट अभी कर सकता हूं क्योंकि दो लाख का बिल मेरे पास है यही दे सकता हूं बस। सी ने कहा कि कर्ज तो मेरा टू ट्वेंटी का, का है और आप मुझे दो लाख का पेमेंट करोगे तो बाकी बीस का क्या होगा बाकी बीस हजार का ध्यान देना पिछले वाले क्वेश्चन में उस का में डिस्काउंट मिल गया था उसने माफ कर दिया था किसने सी ने इस बार ऐसा नहीं हुआ बच्चे इस बार ऐसा नहीं हुआ एग्रीमेंट हुआ कि दो लाख बीस हजार का कर्ज है ठीक है मैं आज यानी कि फर्म आपको दो लाख का पेमेंट करने को तैयार है बिल्स रिसीवेबल के थ्रू बाकी का जो ट्वेंटी थाउजेंड है बाकी का ट्वेंटी थाउजेंड वो फर्म कहता है कि मैं आपको बाद में पे कर दूंगा बाद में आज मैं सिर्फ आपको दो लाख का पेमेंट करने को तैयार हूं पर बच्चे अगर इस बात से एग्रीमेंट हो जाएगा अगर सी एग्री हो जाएगा तो ध्यान दीजिए जो टू लैक्स का आपने बिल इनको दिया है क्या सी का पूरा खर्च खत्म हो जाएगा क्या सी की पूरी लाइरिटी खत्म हो जाएगी नहीं सर ना कितने खत्म होगा दो लाख तो कहते हैं कि ये जो बिल आपने दिया है ना ये दिया है इन पार्ट सेटलमेंट पिछले वाले क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट की बात कह रहा था इस पर क्या बोला पार्ट सेटलमेंट पार्ट सेटलमेंट का मतलब होता है पार्ट सेटलमेंट का मतलब होता है कि जितना मैं पेमेंट कर रहा हूं कर्ज आपका उतने से खत्म होगा बाकी कर्ज रहेगा जब वो पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री देख लेंगे आज फिलहाल में क्या करना है जी इसके थ्रू देखना क्या निकल के आएगा सुनिए मेरी बात देखो एंट्री क्या बनने वाला है जरा बताओ फर्म के पास से बिल कितने का चला गया so तो फर्म क्या ये दो लाख रुपए का बिल चला गया दो लाख का बिल मुझे कोई बताएगा उसको देखकर कि सी की लाइबिलिटी जो हमारे बुक से खत्म होगी फर्म के बुक से आज जो लाइबिलिटी सी का खत्म हुआ क्या वो पूरे दो बीस खत्म हो गए बच्चे नहीं सर कितना खत्म हुआ सिर्फ दो लाख क्योंकि वो कहता है कि पार्ट सेटलमेंट पार्ट का मतलब कि जितना पेमेंट कर रहा हूं कर्ज उतने से ही कम होगा बाकी पेमेंट बाद में करना पड़ेगा तो मेरे बच्चे सी का यहां जो कर्ज है वो दो लाख से आपको डेबिट करना पड़ेगा लिख दो यहां कोई डिस्काउंट हमें मिला नहीं बींग बिल या बी आर इंडोर्स्ड टू सी इन पार्ट सेटलमेंट इन पार्ट सेटलमेंट पार्ट सेटलमेंट में आपने क्या किया यहां पे उसको इंडोर्स कर दिया आई बात समझ में सर हां अच्छा सुनो फोर्थ एंट्री जो ड्यूडेट की बनने वाली है उसके पहले एक बात समझा दू जब मेरी लाइव क्लास होती है बच्चे तो लाइव क्लास में मान लो अगर दो बच्चे हैं तो दो में बहुत नहीं दो से तीन बच्चे कुछ पॉइंट रेज करते हैं उनके दिमाग में एक सवाल चलता है अगर आप में से किसी भी बच्चे के दिमाग में सवाल चल रहा है तो मैं उसको खत्म करूँ अभी पता हूँ उनका सवाल क्या उठता है किसका एक बात बताओ टू ट्वेंटी में टू लैक्स का तो पेमेंट हो गया बाकी ट्वेंटी थाउजेंड जो बच गया उसका क्या होगा उसकी तो कोई एंट्री आपने नहीं किया तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ बच्चे वो एंट्री करना भी नहीं है अरे वो एंट्री तब होगा जब तो उस बीस का पेमेंट होगा हमने इसका ठीका थोड़ा लिया कि पूरे जिंदगी भर की एंट्री करूंगा तो जो हमने आज पेमेंट किया उससे जो कर्ज खत्म हुआ हमने उसकी एंट्री कर देना है बाकी एंट्री बाद में जब होगा तो बुला लेना मुझे जब आप उसका पेमेंट करोगे मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि फर्म के बुक में जो सी का अकाउंट था मान लो ऐसा था पहले से कितना कर्ज था दो बीस तो बीडी कर्ज पहले से कितना था जी टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू टू में जरा बताओ आज हमने बी आर देकर कर्ज कितने से खत्म कर लिया दो लाख से तो दो लाख की एंट्री हो गया कर्ज अभी और कितना बच गया यहां पर बीस हजार रुपए ये बीस जो बच गया जब मैं एंट्री करूंगा तब तो, जब पेमेंट करूंगा तो एंट्री कर लूंगा आज थोड़े कोई उसका एंट्री करना है तो ऐसे सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप उसको खत्म कर लीजिए और लीजिए मैंने आपकी सारी बातें मान ली हाँ डिडेट पर क्या होगा जी तो फर सी जो होगा बच्चे पैसा रिसीव करेगा हमें थोड़े कुछ करना है तो फर्म के बुक में लिख दो यहाँ पे नो एंट्री कोई एंट्री यहाँ नहीं बनेगा कोई एंट्री नहीं बनेगा ये हमने काम पूरा किया तीन केसेज मैंने खत्म कर लिए पहले वाले केस में बिल केप्ट टिल में था बच्चे अपने पास रखा था और बिल ऑनर्ड हो गया था खुद जाकर हमने पैसा लिया था दूसरे वाले केस में बिल हमने डिस्काउंट किया था बिल डिस्काउंट का मतलब क्या बिल बेच देना सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है जी बिल बेचना उसको बोलते हैं बिल डिस्काउंट करना जो बैंक ने कुछ चार्जेस काटे थे तीसरे वाले केस में हमने देखा तीन क्वेश्चन हमने तीसरे वाले केस को कैसे समझा जी कि कर्ज के बदले में अगर मैं बिल आपको देता हूँ उसको कहते हैं बिल को इंडोर्स करना किसी पेमेंट के बदले में हमने बिल आपको दे दिया बात समझ में आ रही है सर हाँ जी हमने तीन तरह के क्वेश्चन देखा और हाँ दो शब्दों पे हमारी मास्टरी हुई एक फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है और एक पार्ट सेटलमेंट का मतलब क्या होता है आई जरा इसके अंदर में फोर्थ फोर्थ केस केस के के अंदर में हूं, अंदर मैं आता में इसको मैं मिटा दू सर हाँ जी लीजिए मैं इसको मिटाता हूं और आपके लिए फोर्थ केस के अंदर आता हूं फोर्थ केस फोर्थ केस लिखेंगे मेरे साथ यहां पे केस नंबर फोर फोर्थ किस्त कहता इस पर इफ बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन एंड एंड ऑनर्ड ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट जब ड्यू डेट पे ऑनर्ड हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे इसमें हम आगे बच्चे और इसमें मैं काम करता हूँ आपको आपके बुक का क्वेश्चन नंबर सिक्स कराऊंगा क्वेश्चन नंबर सिक्स कराऊंगा सोल्यूशन करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सिक्स का सर क्वेश्चन पढ़ ले हम लोग अभी नहीं बचे नहीं पढ़ना आपको सिक्स क्वेश्चन जो है मैं आपको पहले यहाँ समझाऊंगा उसके बाद आप बुक से पढ़ सकते हैं। जब मैं पढ़ूंगा आपके लिए तो फिलहाल क्या करेंगे हम यहाँ समझेंगे चलिए ध्यान सुनेंगे आप मेरी बात मेरी बात ध्यान सुनेंगे जरा बताओ फर्म ने गुड्स किसको बेचा था सर एक्स को टू लैक्स का है ना बच्चे सर हाँ फर्म ने क्या रिसीव किया था बच्चे इसके बदले में बिल कितने का टू लैक्स का मैं इसकी पहले एंट्री कर दूँ क्या सिक्स में लिखो नंबर वन एंट्री गुड्स को बेचा हमने एक्स को तो एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट एक्स टू सेल्स कितना अमाउंट आपका है टू लैक्स का तो हमने गुड्स को दो लाख का बेचने का यहाँ पे एंट्री कर लिया आपको पता है अगली एंट्री में हमने बिल रिसीव किया एक्स से तो मेरे बच्चे बी आर जो हमारा एसेट्स हम उसको बढ़ा देंगे और एक्स के नाम को हम यहाँ से हटा देंगे एंट्री आपका हो गया टू लैक्स एंड टू लैक्स कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर तो पहली एंट्री गुड्स बेचने का हो गया दूसरे में हमने बिल रिसीव कर लिया तीसरी एंट्री आने के पहले बहुत ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से मुझे इस पॉइंट को आपको समझाना ही है और समझा के दम लूँगा चाहे कुछ भी हो जाएगा सुनो मेरी बात ध्यान से आप ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले एक एक कंडीशन को समझने की कोशिश करो मुझे बताओ फर्म अगर मान लो दिल्ली में काम कर रहा है दिल्ली में तो क्या इनके जो कस्टमर्स हैं वो दिल्ली में ही होंगे बच्चे या पूरे इंडिया वर्ल्ड में होंगे सर अगर बात करोगे आप टाटा का रिलायंस का विप्रो का ये बड़ी बड़ी कंपनीज के तो सर ऐसी कंपनी कस्टमर पूरे वर्ल्ड में है गलत तो नहीं बोल रहा मैं नहीं सर चलो मैं वर्ल्ड हटाओ पहले मैं इंडिया की बात कर लूँ कि कस्टमर जो आपके हैं आज बिजनेस इतना एडवांस हो चुका है कि आप यहां पे हो और कस्टमर पूरे इंडिया में फैले हुए आपका मुझे बताओ कि अगर मैं उन कस्टमर का नाम दिखाऊं यहाँ पे यहां कई कस्टमर है इस फॉर्म के कई कस्टमर है बच्चे मैं कई कस्टमर दिखा रहा हूं ए है बी है सी है डी है ई e है एफ है कोई मुंबई में है कोई आपका मान लो यहां पे आंध्र प्रदेश में है कोई जयपुर में है कोई मान लो आपका यहाँ पे कितने नाम बताऊँ आपका सुबोधद क्या का नाम है भूल भी गया हरियाणा में है गुड़गांव बहुत सारी जगह है कस्टमर पूरे इंडिया में फैले हुए हैं पूरे इंडिया में जरा मुझे बताओ कि फर्म जो दिल्ली में है अगर मान लो ए जो मुंबई में उसे दो हजार रुपये लेने हैं बिल जो है बच्चे बिल वो दो हजार रुपये का है तो फर्म जरा सोचो अगर मुंबई में जाता है या किसी को भेजता है पैसा कलेक्ट करने के लिए तो मेरे बच्चे पेमेंट तो आना है दो हजार रुपये और आने जाने का जो खर्च होगा रहने का खर्च होगा कम से कम ट्वेंटी थाउजेंड खर्च हो जाएगा बीस हजार रुपये तो जरा बताओ ना आया दो हजार खर्च कर दिया बीस हजार रुपये ये तो बेवकूफ़ी है फिर हमने इनको भेजा जी आंध्र प्रदेश पांच हजार रुपये लेने थे और हमने आने जाने में खर्च कर दिया फिफ्टी थाउजेंड पचास हजार रुपये तो यहाँ तो एक बहुत बड़ी परेशानी है कि फर्म खुद सब जगह मूव नहीं कर सकता पैसा कलेक्ट करने के लिए क्योंकि इतने जगह पे वो नहीं बचू कहीं एक जगह से होकर काम कर रहा है पता इसका बेस्ट उपाय क्या है बेस्ट उपाय जरा बताओ तो कौन ऐसा इंसान है जो हमारे कंट्री में पूरे सभी जगह पे फैला हुआ सब जगह पे सर वो है बैंक मान लो वो बैंक कौन सा है जी एच डी एफ सी मान लो बैंक कौन सा एच डी एफ सी बच्चे मैं यानी कि फर्म पूरे देश में नहीं फैले हुए लेकिन ये जो एच डी एफ सी बैंक है ना एच डी एफ सी सब पूरे देश में इसके ब्रांचेज है पूरे देश में तो पता क्या होगा एच डी एफ सी बैंक इनके पास जाने के बजाय एक्स के पास जाने के बजाय मैं एक्स पे लेकर आता हूं पॉइंट आपका जो फर्म है वो एक्स के पास जाने के बजाय क्या करेगा ये बिल जो है ना बच्चे दो लाख का वो बैंक को दे देगा कि बैंक ये दो लाख का बिल जो है ना आप अपने पास रखो लेकिन ध्यान रखना मेरी अमानत है मेरी प्रॉपर्टी है मेरा ये मैं आपको देता हूं अपने पास रखो आज से तीन महीने के बाद क्योंकि बिल तीन महीने का है आप ड्यूडेट पे इनके पास जाना और एक से पैसा कलेक्ट करना और पैसा कलेक्ट करके आप मेरे अकाउंट में जमा कर देना मेरी बात ध्यान सुन लो अब क्या बोल रहा हूं मैं फर्म ने कहा कि दो लाख का बिल है मेरा बिल है फर्म का मैं आपको देता हूं आपको बेच नहीं रहा मैं बिल आपको बेच नहीं रहा बिल मेरा ही है आपको देता हूं संभाल के रखो तीन महीने जब डिविडेंट पे आएगा तो आप एक्स के पास जाना पैसा कलेक्ट करना और पैसा कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में जमा करना मेरे अकाउंट में क्योंकि बिल हमने आपको बेचा नहीं है कि बिल का पैसा आप रखोगे अपने पास हमने बिल दिया कलेक्ट करने के लिए मेरे बच्चे आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है उसमें लिखा हुआ कि बैंक जो है एक आपका एजेंट के रूप में काम करता है तो आप यहां पे क्या करो उसके उसी एजेंसी एजेंट का मतलब क्या जो आपके भी यहां आप काम करेगा आप उसके सर्विस हो ध्यान सुनना आपने क्या क्या बिल इनको दे बेचा नहीं मेरा बिल है अपने पास रखो तीन महीने के बाद आप जाना इनसे पैसा कलेक्ट करना और पैसा कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में जमा कर देना मेरे अकाउंट में जमा कर देना हाँ आप इस एजेंसी के बदले में हमसे कुछ चार्जेज ले लेना मान लो यहां पे बैंक चार्जेस जो क्वेश्चन बता रहा है मान लो कि बैंक चार्ज कहता है कि हम पचास रुपए लेंगे तो ठीक है ले लेना जी एजेंट हो जब भी कोई काम करोगे कुछ पैसा लोगे लोगे बोलता बताओ इसकी एंट्री क्या होगी पहले मुझे ये बताइए कि क्या बिल फर्म ने बैंक को बेच दिया बच्चे ना ना ना, ना। बिल बेचा नहीं बच्चे बिल दिया कि रखो अपने पास ड्यूडेट पे जाना उनसे पैसा कलेक्ट करना फिर मेरे अकाउंट में जमा कर देना अगर बिल आपने बेचा नहीं है और बैंक को दिया है कलेक्शन करने के लिए इसी को बोलते हैं मेरे बच्चे बिल फॉर कलेक्शन बिल हमने कलेक्शन करने के लिए दिया है और ड्यू डेट पे क्या होगा बिल मेट होगा तो आई जरा मैं आपको बताऊं कि जब बिल मैं कलेक्शन के लिए दूंगा तो एंट्री क्या होगा बिल्कुल लॉजिकली मेरी बात सुनेंगे रटना नहीं आपको ये देखो क्या होगा हमारे पास से बिल चला जाएगा क्योंकि ये बिल फर्म से कहां चला गया बैंक के पास तो फर्म अपने पास से क्या करेगा बिल्स रिस को हटा देगा बिल हमारे पास से चला गया कितने का बिल आपका है जी दो लाख रुपए का ठीक है ना बट सवाल उठा <laughs> कि बिल तो चला गया जी आज क्या आज पैसे हमें मिले बच्चे क्या आज फर्म के अकाउंट में कोई पैसा आया नहीं आया अरे बिल बेचा कहाँ है बच्चे कहां बेचा हमने तो दिया कि रखो अपने पास ड्यूडेट में कलेक्ट करना मुझे पैसा दे देना जब कलेक्शन होगा तो आज पैसा नहीं आया तो फिर सवाल उठता है कि यार पैसा भी नहीं आया बिल चला गया तो फिर मैं एंट्री कैसे कंप्लीट करूं तो सुनो मेरी बात अकाउंट्स हमें क्या कहता है अकाउंट्स कहते देखो जी बिल जब तक आपके पास रहेगा आप उसको बिल रिसिवेबल कहना अगर आपका बिल बिल आप ही का है अगर वो बिल बैंक के पास पड़ा हुआ है तो जो बिल बैंक के पास पड़ा हुआ है बैंक के पास पड़ा हुआ है उसको एक डमी नाम देना जिसका नाम होगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन सुनना बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं आपको नहीं होने दूंगा कोई इंसान आपसे पूछ देना बाहर वाला कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट कौन सा अकाउंट है क्या रिप्रेजेंट करता है तो आप कहना मेरे बच्चे आप कहना कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन जो है वो फर्म का एक एसेट रिप्रेजेंट करता है एक एसेट एक्चुअली एसेट्स के कई नाम है जब वो बिल हमारे पास था मैं उसको बी कहा करता था मेरा बिल बैंक के पास पड़ा हुआ है तो उसको किस नाम से जानूंगा जी बिल सेंट फॉर कलेक्शन है बिल ही लेकिन दो अलग जगह चला गया पहले हमारे पास था फर्म के पास तो हम उसको कहा करते थे अब हमारा बिल अगर बैंक के पास पड़ा हुआ है एज अमानत एक प्रॉपर्टी के रूप में तो हमने क्या बोला बिल सेंट फॉर कलेक्शन ध्यान दीजिए ये फर्म का एसेट्स ही बता रहा है क्योंकि अभी भी फर्म का ही बिल है सिर्फ बैंक को हमने दिया जी रखने के लिए आपका सर ठीक है ठीक है सर अब जरा बताओ ड्यू डेट पे क्या होगा डिडेड पे मेरी बात सुनना अच्छा लगेगा आप बताइए डिविडेड पे इस एक से पैसा मांगने कौन जाएगा बताओ डिविडेड पे एक से पैसा मांगने कौन जाएगा सर डिविडेड पे एक से पैसा मांगने फर्म गया होगा है ना बच्चे सॉरी एच डी एफ सी बैंक आप बताओ जो पैसा इससे लिया होगा दो लाख रुपए क्या एच डीएफसी बैंक वो दो लाख रुपये डिविडेड पे अपने पास रखेगा या फिर फर्म के अकाउंट में जमा करेगा बोलो ना जो बिल बैंक के पास था कलेक्शन करने के लिए हमने बिल बेचा नहीं था वो बिल जब लेकर आप गए एक से, एक से ने पैसा पे कर दिया तो वो पैसा एच बैंक अपने पास रखेगा या फिर फर्म के अकाउंट पे जमा करेगा मतलब फर्म के नाम पे सिर्फ फर्म, फर्म के नाम पे फर्म के नाम पे फर्म ने थोड़े पैसा पहले लिया था ठीक बोला आपने तो देखो मैं अब यहाँ चौथी एंट्री क्या करूंगा अब फर्म क्या करेगा बच्चे इस एसेट्स को हटा देगा अब जो बिल मेरे पास मेरा जो बैंक के पास पड़ा हुआ था अब उसको हटा दो क्योंकि इसके बदले में पैसा आ गया है तो आप बिल सेंड फॉर कलेक्शन बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट जो आपने डेबिट किया था उसको आप हटा दीजिए हटा दीजिए और इसके जगह पे मेरे बच्चे इसके जगह पे क्या करेंगे आपने कैश रिसीव कर लिया बट क्योंकि वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में गया होगा बैंक ने पैसा कलेक्ट करके आपके अकाउंट में जमा कर दिया होगा तो आप बैंक अकाउंट में डेबिट कर देंगे दो लाख अमाउंट बात रही है सर हाँ जी तो लिखो ना इसका लिख दो नरेशन पहले ताकि क्लियर आ जाएगी रिविजन के टाइम पे इसका नरेशन है यानी कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन बैंक को जो कलेक्शन के लिए दिया हमने उसकी एंट्री पास की है ये एंट्री बना बच्चे आपका और ये क्या है बींग बींग बी आर बिल ऑनर्ड हो गया ऑनर्ड यानी कि पैसा मिल गया ऑन ड्यू डेट जब पैसा मिल गया तो हमने क्या किया जी हमारा बैंक में पैसा बढ़ गया है और इस नाम को हमने हटा दिया हाँ बैंक ने हमसे अलग से चार्जेस लिए हैं तो हम उसकी एंट्री कर देंगे कितना चार्ज काटा बैंक ने फिफ्टी रुपीज बताओ बैंक अगर चार्जेस काटेगा तो क्या आपसे पैसा मांगने आता है ना आपके अकाउंट से ही मैनेज कर देता है तो पता क्या करेंगे बैंक ने जो चार्ज काटा वो फर्म का एक्सपेंस है एक्सपेंस बढ़ना डेबिट होता है बचपन से सीख रहे हैं हम लोग यहाँ पे तो बैंक चार्ज को डेबिट कीजिए फिफ्टी रुपीज आप और क्या बोलना जी बैंक ने हमारे अकाउंट से माइनस कर लिया होगा तो हमारा बैंक में पचास रुपए यहां से माइनस हो गया होगा एंट्री समझेंगे बैंक चार्ज मेरा एक्सपेंस है हमने डेबिट किया और बैंक से हमारा पैसा कट गया होगा जी चार्ज तो वो हमने क्या किया कि बैंक से माइनस कर दिया बैंक हमसे मांगने नहीं आता अकाउंट से माइनस कर लेता है सिर्फ बाबू तो क्या ये दोनों एंट्री क्लब नहीं हो सकती कर सकते हैं बच्चे कर सकते हैं बट क्यों करेंगे अच्छा लग रहा है इसको अलग कीजिए इसको अलग कीजिए पूरी बात दिमाग में बैठेगी आपका चार्ज की एंट्री हमेशा अलग से कर देना इसकी एंट्री अलग कर देना ठीक है ना तो लीजिए हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन का भी मतलब आपको बता दिया कोई बाहर वाला इंसान जब आप क्लास से बाहर निकलेंगे और कोई पूछ पूछने कि जरा बताओ जी बिल सेंड फॉर कलेक्शन ये आपका एसेट्स है लेबिलिटी है कैपिटल है क्या है तो बोल कि एसेट्स है बिल जब तक हमारे पास था हम उसको बिहार कह करते थे हमारा बिल बैंक के पास पड़ा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन ये एसेट्स होता है बच्चे अच्छा सर तो लीजिए मैंने आपको चार केसेज प्रॉपर तरीके से समझाए हैं पहले वाले केस में क्या था बच्चे बिल कैपिटल मेच्योरिटी दूसरे वाले में बिल डिस्काउंटेड तीसरे वाले में बिल हमने क्या किया था जी आपका इंडोर्स किया था चाहे में हमें बिल फॉर कलेक्शन आपका चारों केस मैंने बताया है मैं इस पर कुछ नोट लिखाना चाहता हूँ आपको कुछ थ्योरी के साथ साथ हम उस नोट को कम्प्लीट करते हैं और उसके बाद फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि ये तो ऑनर्ड की बातें हो रही हैं अगर बातें डिसऑनर्ड की हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे तो आओ जरा यहां पे लिखी मेरे साथ यहां पे लिखेंगे आप मेरे साथ करेंगे मेरे साथ करेंगे यहां पे नोट नंबर वन लिखी मेरे साथ नोट नंबर वन एक काम करना नोट नंबर वन में आपको दिखा रहा हूं एंट्रीज फॉर ऑनर्ड ऑफ बिल आपको दिखाना चाहता हूं कि जो हमने ऑनड वाली जो एंट्री की चारों केस में ड्यूडेड के टाइम पे वो एंट्री किया गया था ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में देखो मैं क्या करूं पहले देख लो उसके बाद जगह बनाना आप मैं आपके रजिस्टर के पेज के ऊपर से छ से सात लाइन लाइन छ से सात लाइन जगह जो, जो है उसको चार पार्ट में यहां पे हमने डिवाइड कर दिया पहले समझ लो उसके बाद लिखना चाहो तो जब समझ में आ जाए तो वीडियो पॉज कर लेना उसके बाद लिख देना देखो मैं क्या कर रहा हूं मेरे पास चार केस था पहला केस क्या था जी बिल जो आपका था केप्ट टिल मेचोरिटी था ना बच्चे पहला सर हां दूसरा था बिल आपका डिस्काउंटेड बिल जो था आपने डिस्काउंट किया था डिस्काउंट का मतलब कि आपने बैंक को बेच दिया था तीसरे वाले केस में बिल यानी कि बी आर आपने इंडोर्स किया था इंडोर्स किया था बच्चे क्रेडिटर को और चौथे में आपका बिल आपने सेंड किया था सेंड फॉर कलेक्शन हमने बैंक को दिया था कलेक्शन करने के लिए आज एक बार देखें एट अ ग्लांस कि हमने क्या एंट्री करना यहाँ पे क्या एंट्री करना चारों केस में ही केस में बताइए जरा कि ड्यू डेट पे जो आपने एंट्री पास किया था पहले वाले केस में क्या एंट्री हुआ था बताओ जरा ड्यू डेट पे हमने पैसा रिसीव किया था याद कीजिए कैश अकाउंट डेबिट लास्ट एंट्री की बात कर रहा हूं आपका ड्यू डेट पे और आपके पास से बिल चला गया था टू बी आर अकाउंट यही क्या था ना बच्चे सर हां आप बताओ तो डिस्काउंटेड वाले केस में क्या एंट्री किया था नो no एंट्री क्योंकि बिल आपने बैंक को बेच दिया था तो पैसा बैंक ने कलेक्ट किया अपने पास रखा आपको थोड़े दिया था तो मेरे बच्चे यहाँ पे ड्यू डेट पे हमारे बुक में कोई एंट्री पास नहीं हुआ था इंडोर्समेंट में क्या हुआ था नो no एंट्री क्योंकि पैसा सी ने कलेक्ट किया कुछ नहीं हाँ यहां पे एंट्री क्या किया था जी हमने तो याद कीजिए बैंक में पैसा गया था ड्यू डेट पे बैंक ने पैसा कलेक्ट करके आपके अकाउंट में जमा किया था और आपने कहा था टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अभी मैं बैंक चार्ज की बात नहीं कर रहा अभी मैं बात कर रहा हूं सिंपली यहां पर जो हमने ऑनर्ड की एंट्री किया था ड्यू डेट पे चारों ही केस में ठीक है बच्चे कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर नहीं ये ठीक है तो ये हमारा नोट नंबर वन हुआ अब देखो ये जो नोट नंबर वन है इसको यहां से आपने क्या क्या क्लोज कर दिया थोड़ा सा जगह अभी छोड़ा हमने यहां पे क्यों छोड़ा मैं आपको बताऊंगा आप ये जगह आप भी छोड़ेंगे और फिर मेरे साथ लिखेंगे नोट नंबर टू नोट नंबर टू आप ये जगह छोड़ छोड़कर नोट नंबर टू पे आप आइए मेरे साथ यहाँ पे नोट नंबर टू सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं लिखेंगे अब यहाँ पे पार्टीज इन्वॉल्व पार्टीज इन्वॉल्व इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में कौन कौन से पार्टीज हैं जी जो यहां पे इन्वॉल्व होते हैं बच्चे मतलब कौन कौन से लोग होते हैं तो लिखिए नंबर वन पहला ड्रॉवर ड्रॉवर सर ड्रॉवर कौन होता है तो हमने बताया था ना लिखेंगे द पर्सन द पर्सन हु ड्रॉज द बिल ड्रॉज द बिल जो बिल ड्रॉ करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं ड्रॉअर बताइए कि हमारे ऊपर के चार केसेज में कौन ड्रॉअर था सर फॉर्म तो रिवीजन में दिक्कत ना हो इसलिए फॉर्म था बच्चे एग्जाम में फॉर्म नहीं लिखना आपको सिर्फ ये लिखना है सेकंड में आई ड्रॉई कौन था बताइए लिखेंगे द पर्सन द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल जो बिल को एक्सेप्ट करेगा जो बिल को एक्सेप्ट करेगा उसको हम बोलते आपका ड्राइ जरा बताइए हमारे एग्जाम्पल में कौन था वो मिस्टर एक्स एक्स था बच्चे हाँ मैं कह सकता हूं इसके बाद आगे कि ड्रॉई ड्रॉई इज ऑल्सो कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर ऑफ बिल एक्सेप्टर जिसने बिल को एक्सेप्ट किया एक्सेप्टर ऑफ बिल आप एक्सेप्टर ऑफ बिल के नाम से इसको जानते हैं ठीक है ना सर हाँ जी ड्रॉवर हो गया ड्रॉई हो गया तीसरा आप यहां लिखेंगे पे पे सर पे कौन होता है नाम को ध्यान से शब्दों को मैच करेंगे आप नाम से कंफ्यूज नहीं होना देखो क्या बोलते हैं पेई का मतलब द पर्सन द पर्सन पब्लिक पार्टी हु रिसीव्स अमाउंट अमाउंट ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट ड्यू डेट फ्रोम ड्रॉई बिल्कुल अच्छी ध्यान दीजिए क्या बोला कि जो आदमी या जो पार्टी रिसीव करता है रिसीव अमाउंट ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट ऑन ड्यू डेट फ्रॉम द ड्रॉई ड्रोवी से डिवटेड पे जो आदमी पैसा रिसीव करेगा जो पैसा रिसीव करेगा मेरे बच्चे वही पे ही कहा जाएगा वही पे ही कहा जाएगा बात समझ रहे हो सर हाँ तो देखो एक सवाल पूछूंगा अभी गारंटी के साथ आप में से कोई बच्चा उसको जवाब सही नहीं देगा गारंटी के साथ कहता हूं गारंटी के साथ अगर आपको लगता है कि नहीं जी आप सही जवाब दोगे तो जरा मेरे इस मिथ को आप तोड़ना देखो अभी तक जितने सारे बच्चों से सवाल पूछा सबने गलत जवाब दिया आज तक की बात कहता हूं देखता हूं आपका क्या होता है लेकिन फिलहाल पहले मैं पहले इसको समझा दो उसके बाद वो उस सवाल पूछूंगा ये देखो जरा यहां पे पे का मतलब जो आदमी या जो पार्टी ड्यू डेट में पैसा रिसीव करता है उसको बोलते पे मुझे बताइए कि पहले वाले केस में पहले वाले केस में पैसा किसने रिसीव किया था जो फर्स्ट केस किया था पैसा किसने रिसीव किया था तो देखो याद कीजिए फर्म ने ही पैसा रिसीव किया था पैसा किसने रिसीव किया हो फॉर्म ने याद करिए तीन महीने तक बिल फॉर्म ने अपने पास रखा था और जाके ड्यू डेट पर पैसा रिसीव किया था तो मान लो आप नीचे वाले वाले कॉलम लिखेंगे आप कि कि अगर कोई बोले जरा बताओ पहले केस में पे कौन है तो क्या बोलूंगा फर्म हमारा पे है फॉर्म मतलब फॉर्म हमारा ड्रॉर भी था बच्चे जिसने बिल लिखा था और वही पे है क्योंकि वही पैसा रिसीव कर रहा है ठीक है जरा बताओ सेकंड वाले केस में जब बिल हमने बैंक से डिस्काउंट किया था तो ड्यूडेट पे एक से मतलब ड्रॉई से पैसा किसने लिया था सर बैंक ने तो पे कौन हो गया एच डी एफ सी यानी कि बैंक हो गया बच्चे यहां पे ठीक है ना जो पैसा रिसीव करेगा ड्यूनेट पे वही पे ही होता है तो पे कौन हो यहां पे हो गया आपका बैंक हो गया अब बताओ जब बिल हमने इंडोर्स किया था सी को तो पे कौन था सर सी क्योंकि ड्यूनेट पे सी जाके पैसा रिसीव किया था बिना किसी डाउट के ये बातें आपको दिमाग में बैठनी चाहिए सर ठीक है ये तो सर बैठ गया लेकिन सर मुझे ये बताओ कि इस लास्ट वाले केस में कौन पेय होगा ना 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 आप ना पूछो मुझसे ये आप ना पूछो ये मेरा सवाल है ये हरे क्लास में मैं पूछता हूं इसमें मेरा अधिकार है पूछने का बच्चे आप कैसे पूछ सकते हो इतनी सारी बातें मैंने समझा दी इतने सारे नोट लिखा दिए आप मुझे बताओ ना आप मुझे बताओ कि ये चौथे वाले केस में पेयी किस बोलूंगा चौथे वाले केस में पे किसको बोलूंगा क्योंकि पे ही का मतलब होता है कि जो आदमी ड्यू रेट पे पैसा रिसीव करता हम उसको पे ही बोलते हैं जरा बताओ पे ही कौन बनेगा आप कहो अगर आप कहो तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट देने को तैयार हूं अगर आपका आंसर जो मेरे मैं जो बताऊंगा यहां पर उससे मैच कर गया तो आप मुझे एक बार कह देना मैं आऊंगा और जहां भी जिस स्टेट में जिस देश में आप होगे वहां पर आके आपको चॉकलेट खिलाऊंगा इस बात को गारंटी देता हूं लेकिन मुझे विश्वास है कि कोई बच्चा इसका जवाब सही जवाब दे ही नहीं सकता नहीं दे सकता अगर आपने यही सोचा होगा जो मैं बता रहा हूं तो आप मुझे सिर्फ बता देना मैं पक्का खिलाऊंगा चॉकलेट पक्का खिलाऊंगा सुनो पहले मेरा हिंट लो मैं आपको एक हिंट देता हूं और हिंट में दो ऑप्शन दे देता हूं आपको जो अच्छा लगे आप बता देना आंसर उसी में से कोई एक है सुनिए पेई का मतलब होता है बच्चे जो डिओेट पे जाके पैसा रिसीव करता है फ्रॉम ड्रोई साफ तो साफ शब्दों में अगर देखा जाए तो जरा बताओ डिविडेड पे एक से पैसा मांगने कौन गया था बैंक हमने बिल बैंक को दिया था ना बच्चे कि जाओ कलेक्ट करना तो जो डिविडेड पे पैसा रिसीव करना वो कौन है जी एच डी एफ सी बैंक है एच डी एफ सी बैंक उसने पैसा रिसीव किया तो एक मैंने हिंड के साथ लॉजिक के साथ आपको बताया कि जो बंदा पैसा रिसीव करेगा हिज द पे तो यहां पे बैंक ने जाके ड्रॉई से पैसा रिसीव किया तो बैंक पे ही है पहला ऑप्शन दूसरा नहीं सर नहीं सर आप गलत हो आप गलत हो सर अरे बैंक क्यों हो बैंक क्यों सर बैंक क्यों जरा बताओ बैंक ने पैसा कलेक्ट करके ड्यूडेट पे अपने पास रखा कि वो फर्म के नाम पे जमा किया बताओ ना सचमुच में कि आपने जो चौथा केस पढ़ा था चौथे वाले केस में पैसा बैंक ने जो कलेक्ट किया था ड्यू डेट पे वो पैसा अपने पास रखा के फर्म के अकाउंट में जमा किया सिर्फ फर्म के अकाउंट में जमा किया था फर्म के अकाउंट में तो फिर पैसा तो फर्म ने रिसीव किया यानी कि मैं यहां पे फर्म को पे ही कहूंगा पे जो होगा अगर मैं आपसे पूछू कि सर पे कौन है तो पे इन्हीं में से कोई एक मुझे लग रहा है जरा आप मुझे बता दो कौन सा बंदा सही लगता है आपको पे आप जो बताओगे वही बात मान लूंगा बोलो जरा कौन पे यहां पे। बोलो जरा मैं थक चुका हूं मैं थक चुका हूं इतने समय तक आपको समझाते समझाते मुझे विश्वास है कि आप सही जवाब देंगे लेकिन आत्मा मेरी कह रही कि आप कभी सही हो ही नहीं सकते हो ही नहीं सकते सर सोच लिया सर फिर बताओ ना आंसर क्या है सर यहां पे सर, यहां पर होगा फर्म होगा फर्म पे यहां पर फर्म होगा अरे पैसा एक्चुअली फर्म के तो अकाउंट में गया सर फर्म होगा यही सोच रहे हो ना सर हां कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर पे यहां पे कौन होगा जी एच डी एफ सी बैंक आपका होगा क्योंकि बैंक ने पैसा रिसीव किया कुछ यही सोच रहे हो सर हां सर छोड़ो ना बताओ ना हम क्या सोच रहे छोड़ो दिमाग फट रहा है बताओ आंसर सही क्या है सर आंसर बताओ तो मेरे बच्चे आंसर अगर आप सोच रहे हो कि फर्म है पेय अगर आप सोच रहे हो फर्म है पेई तो मेरे बच्चे आंसर गलत है ये गलत है ये गलत है मुझे पता है आप बदमाश हो आप यही सोच रहे थे अरे पे यहां पे एच बैंक है लिखो पहले यहां पे एच फिर मैं आपको मीनिंग समझाता ऐसा क्यों लिखो पहले यहां पे सर, लिया सर लेकिन सर आत्मा गलत जवाब दे रही है बोले कि ऐसा थोड़े है वो तो फॉर्म होना चाहिए आओ मैं फिर यहां पर दिखाऊं आपकी आत्मा को अरे साफ साफ शब्दों में कहा था कि जो भी इंसान पैसा रिसीव करेगा ड्यू डेट पे ड्रोवरी से उसी को बोलते पे जो पैसा रिसीव करेगा बताओ पैसा रिसीव किसने किया मतलब ड्रॉइ से पैसा मांगने गया कौन पैसा रिसीव किसने किया बच्चे सर बैंक ने रिसीव किया है बैंक ही बिल को लेके जाके प्रेजेंट किया पैसा रिसीव किया तो मेरे बच्चे बैंक जो है वो पे कहा जाएगा हमने कहा लिखा है कहा लिखा कि अल्टीमेटली जो पैसा रिसीव करता वो पे होगा कहीं लिखा बच्चे हमने अल्टीमेटली ना तो साफ साफ शब्दों में तो लिखा हुआ है जो पैसा डिविड पे ड्रोई से रिसीव करेगा हिज द पे सिंस बैंक हैज रिसीव दैट अमाउंट ऑन डिवेट फ्रॉम पे ड्रोई आपका हिज द पे दैट्स इट और कोई यहां पर इफॉर नहीं है अगर आप कहते हो कि सर अल्टीमेटली पैसा तो बैंक आ, फर्म के पास गया तो बदमाश चारों केस में अल्टीमेटली पैसा फर्म के पास ही गया है ये पैसा यहां पर हमने पहले ले लिया था बैंक से आ, 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 आपका बैंक से यहां से बहुत पहले पैसा ले चुके हैं तो पैसा एनी हाउ अल्टीमेटली तो फर्म के पास ही आ रहा है लेकिन फर्म थोड़े पे ही हो जाएगा पेई का मतलब होता है पे जो पैसा रिसीव करेगा वही पे होगा और वही पे ही होगा बस आई बात समझ में सर हां तो ठीक है अब देखो फोर्थ नोट मेरा इसी से जुड़ा हुआ है नजर यहां डालो नजर यहां देखो पहले वाले केस में जो ड्रोवर था बच्चे ड्रोवर था और जो पेई था दोनों सेम है फर्म ही ड्रोवर है और फर्म ही पेई है पहले वाले केस में लेकिन सारे केस में नहीं सिर्फ फर्स्ट केस में ड्रॉवर और पेई सेम है ड्रॉवर और पेई दोनों कौन है आपका फॉर्म ड्रॉवर एंड पे कौन है फॉर्म दूसरे वाले केस में ड्रॉवर तो फर्म है लेकिन पेई कौन है बच्चे एच डी एफ सी बैंक यहां ड्रॉवर तो सी आ, फर्म है लेकिन पेई कौन है आपका सी और यहां पे बैंक तो अगर एग्जाम में ऐसा वर्ड आ जाए लिखो यहां पे अगर कहता है क्वेश्चन कि ड्रॉवर एंड पेई पेई मे बी मे बी द सेम पर्सन मे बी द सेम पर्सन अगर कहता है कि दोनों आपके यहां पर सेम होंगे दोनों सेम होंगे तो बच्चे ऐसे सेंटेंस को आप ट्रू कह देना ये ट्रू है सही है लेकिन अगर आ जाए कि ड्रावर एंड पे एंड पे विल ऑलवेज बी विल ऑलवेज बी द सेम पर्सन सेम पर्सन अगर ऑलवेज कहता है तो बोलना कि ना ये गलत है फिर आप इसको फॉल्स की कैटेगरी में आप डाल देंगे गलत है बच्चे आपका ड्रॉर पे मे बी द सेम पर्सन ट्रू लेकिन ऑलवेज थोड़ा ही है सिर्फ एक केस में दिख रहा है बाकी में हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे आपका आए बात समझ में सर हाँ जी तो देखो आप समझो मेरी बात हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे थ्योरी न्यूमिकल का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और इंटरेस्टिंगली हम बातों को समझेंगे आज हमने कुछ भी नहीं कराया आज तो मैंने बताया जी चार केसेज आपके ऑनर्ड के क्या होते हैं मैं एक काम करता हूँ डिस्काउंट पे एक छोटा सा क्वेश्चन और डालता हूँ और फिर आज की क्लास को हम यहाँ पे एंड करेंगे अगली क्लास में जब हम मिलेंगे बच्चे तो हम देखेंगे केस ऑफ डिसऑनर्ड कुछ और थ्योरी के साथ लेकिन मुझे आपकी इंटेलिजेंसी थोड़ी चेक करनी है तो देखो जरा थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन बनाऊँगा और आप वहाँ भी परेशान हो जाएंगे एक छोटा सा ट्विस्ट के बाद क्वेश्चन बनाऊँगा मुझे विश्वास है वहाँ भी परेशान हो जाएंगे उसी परेशानी को खत्म करने के लिए मैं आपको यहां पर क्वेश्चन बना रहा हूं चिंता नहीं करना जितने क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा उसके बाद सारी कंसेप्ट खत्म हुए परेशानी खत्म हुई पे एग्जाम्पल ये बुक में क्वेश्चन है बच्चे अलग से रह रहा हूं आपको ऑन फर्स्ट जनवरी 2017 फर्म सोल्ड गुड्स टू राम फोर रुपीज फाइव लैक्स फाइव लैक्स लेकिन यहां पे आपका ऑन क्रेडिट क्रेडिट पे कहता है कि बेचा आपका इस दिन को फुल स्टॉप कहता है कि इमिडिएटली इमीडिएटली फॉर्म रिसीव्ड फॉर्म रिसीव्ड, एक्सेप्टेंस इमीडिएटली फॉर्म रिसीव एक्सेप्टेंस पेबल पेबल आफ्टर आफ्टर थ्री मंथस तीन महीने के बाद कहता है जी कि आपका यहां पर पे पेबल होगा ठीक है ना ध्यान सुनना आगे क्या बता रहा है यहां पर कहता है ऑन फर्स्ट फरवरी टू थाउजेंड सेवनटीन ऑन फर्स्ट फरवरी टू थाउजेंड सेवनटीन कहता है कि फॉर्म डिस्काउंटेड फॉर्म डिस्काउंटेड फॉर्म डिस्काउंटेड बिल्स रिसिवेबल विथ एच डी एफ सी बैंक एच डी एफ सी बैंक किसी भी बैंक से हो सकता है एट द रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट पर एन एम यह डिस्काउंट चार्ज हो जाएगा बच्चे आपका कहता है कि ऑन ड्यू डेट ऑन ड्यू डेट बिल वाज मेट कहता है कि बिल जो आपका है मेट हो गया बोलता है यहाँ पे मेक एंट्रीज आपको एंट्रीज करना है ध्यान दीजिए मैं कुछ लिख रहा हूँ ब्रैकेट में इग्नोर इग्नोर ग्रेस पीरियड मतलब ग्रेस पीरियड क्योंकि मैंने अभी इसके बारे में आपको नहीं समझाया है इसके कॉन्सेप्ट को मैं आपके साथ अगली क्लास में लेकर आऊँगा तो ग्रेस पीरियड को दिमाग से निकालते हुए इस क्वेश्चन को हमें समझना है कि क्या निकल के आएगा आओ जरा लिखो मेरे साथ यहाँ पे सॉल्यूशन इस बार डेट वाइज एंट्री करेंगे हम लोग फर्स्ट जनवरी 2017 को अच्छा एंट्री किसके बुक में हो रहा है बताइए इन द बुक ऑफ फर्म आज हम सारी बातें फर्म के बुक में यानी कि ड्रोर के बुक में सीख रहे बच्चे देखो ना आज फर्म ने गुड्स बेचा है तो बताओ एंट्री क्या हो जाएगा सर राम अकाउंट अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स ठीक है गुड्स बेचा जी हमने फाइव लैक्स का मेरे बच्चे सेल हुआ है तो फाइव लैक्स की हमने एंट्री कर दी यहां पे कोई डाउट नहीं सर कहता कि आज ही यानी कि फर्स्ट जनवरी 2017 को फर्म ने इमीडिएटली उनसे एक्सेप्टेंस लिया है मतलब बिल्ज रिस तो एंट्री हो गया बी आर डेबिटेड टू राम अकाउंट ये लीजिए हमने क्या किया फाइव लैक्स का यहां पर एक्सेप्टेंस रिसीव कर लिया हमने एंट्री यहां पे कंप्लीट की कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर ये तो सब पुरानी एंट्री है बताओ ना सर आगे क्या करना है अब देखो फर्स्ट फरवरी को बस यही पॉइंट मुझे समझाना है दो को आपने क्या किया बिल डिस्काउंट कर लिया तो बार बच्चे बिल डिस्काउंट करने से आप जानते हैं कि जो बी आपके पास था वो चला गया जो फाइव लैक्स था बी आर, वो क्रेडिट आपका हो गया फाइव लैक्स बी चला गया बैंक में जो पैसा आया जब बिल डिस्काउंट करेंगे तो बैंक में जो पैसा आएगा उसमें बैंक को बढ़ा देंगे और जो चार्जेज बैंक ने काटा होगा हम उसको डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करेंगे है ना बच्चे सर हाँ लेकिन पता है मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि डिस्काउंट कितने समय का कटेगा डिस्काउंट कितने समय का तो मैं ना एक काम करता हूं मैं एक काम करता हूं आपके लिए ये बात ना मैं आपको इंस्टाग्राम से समझाता हूँ अच्छा लगेगा जरा बताओ गुड्स बेचने का और बिल रिसीव करने का एंट्री कब हुआ है फर्स्ट जनवरी 2017। बिल कितने महीने का बच्चे तीन महीने का तो एक जनवरी से काउंट करना तीन महीना एक फरवरी एक मार्च एक अप्रैल यानी कि इसका ड्यूडेट जो आएगा ड्यूडेट जो आएगा एक अप्रैल 2017 को बनेगा इसका ड्यू डेट बात समझ समझी सर हाँ जी जरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि क्या बिल हमने जो बैंक को डिस्काउंट कराया था क्या फर्स्ट जनवरी को किया था नहीं सर फर्स्ट फरवरी को किया था तो मेरे तो बच्चे ये जो डेट है ना फर्स्ट फरवरी यहां कहता है कि आपने बी जो है आपने डिस्काउंट किया है बिल जो आपने इस दिन पे क्या किया डिस्काउंट किया है फर्स्ट फरवरी को बिल आपने क्या क्या डिस्काउंट किया है मेरी बात समझो मेरी बात समझो आपने फर्स्ट फ को अगर बिल डिस्काउंट कराया तो मुझे बताओ बैंक जो चार्ज काटेगा डिस्काउंट का ये जो फाइव लैक्स का बिल है फाइव लैक्स के बिल पे ट्वेल्व परसेंट के हिसाब से जो डिस्काउंट चार्ज काटा जाएगा वो कितने महीने का काटा जाएगा बताओ ना कितने महीने का बताओ जरा कितने महीने का क्या बैंक को मैं पूरे तीन महीने का चार्ज कटवाऊंगा बच्चे क्या बैंक पूरे तीन महीने का काटेगा ना 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 बैंक उतने समय का ही चार्ज काटेगा जितने समय बिल बैंक के पास रहेगा कॉमन सेंस यार अगर हमने एक महीना रख लिया तो बिल जो बैंक के पास है जो बिल जो बैंक के पास है सिर्फ दो महीने तो रहेगा अगर बिल बैंक के पास दो महीने रहेगा तो बिल का पांच महीने का चार्ज या तीन महीने का बैंक कैसे काट सकता है समझो मेरी बात अगर हमने दो महीना पहले बिल का डिस्काउंट कराया हुआ है तो ध्यान दीजिए जितने समय बिल बैंक के पास रहेगा डिस्काउंट चार्ज बैंक उतने महीने का ही काटेगा क्योंकि बिल दो महीना उसके पास है तो दो महीने का चार्ज आप यहां काटेंगे बताइए कितना आ गया सर यह आ गया आपका टेन थाउजेंड का अमाउंट टेन थाउजेंड समझो मेरी बात ये बातें एग्जाम में बहुत बनती है बच्चे परेशान होते जो आपको नहीं होना तो डिस्काउंट कितना कट गया जी टेन तो बताओ ना बैंक में कितना आ जाएगा सिर्फ फोर लैख नाइन्टी थाउजेंड का अमाउंट फोर नाइन्टी बस खत्म हो गई बात ड्यूडेट कब आ गया आपका फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड सेवेंटीन है ना बच्चे ड्यूडेट पे आपका क्या बाजे बिल कहता है कि मिट हो गया तो आइए जरा बताओ हमारे बुक में क्या एंट्री होगा सर नो एंट्री जब बिल हम बैंक को बेच चुके हैं तो बैंक पैसा कलेक्ट करेगा अपने पास रखेगा हमें एंट्री यहां पे क्या करना हमें कोई एंट्री पास नहीं करना लीजिए हमारा काम यहाँ पे पूरा आपका हो गया

इसमें जितना जितना फायदा आपका है ना उससे उतना एटलीस्ट उतना फायदा मेरा भी है मैंने सी ए की ये मेरी बुक्स है ये सी ए फाउंडेशन की बुक है ये सी ए इंटर ग्रुप वन की बुक है और ये हमारे सी ए इंटर ग्रुप टू की बुक है ये सारी बुक्स मैंने अपने बच्चों के लिए लिखा हुआ है यही नहीं हमारे ये सी एम ए की बुक है ये हमारे सी एम ए के अंदर में सी एम ए के अंदर में सी एम ए फाउंडेशन ये मेरा सीएमए इंटर ग्रुप वन की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है ये सीएमए इंटर ग्रुप टू की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है और ये सीएम फाइनल की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है इसी तरीके से सी एस की मेरी बुक है मेरे बीकॉम की बुक्स है मैंने सबको मैंने सबके लिए बुक तैयार किया है मेरे बच्चे और उनको मैं पढ़ा रहा हूं और बहुत बेहतर तरीके से हजारों बच्चे और आपके ऑल ओवर इंडिया में हर एक साल मुझसे पढ़ते हैं एलेवें क्लास आपको फ्री करने का जो मेरा मेन रीजन है और रियली बता रहा सिर्फ मेरा स्वार्थ ये देख रहे हो आप ये ऐसी ये जो बुक्स मैंने लिखी हुई है कई सारे बच्चे जिन्होंने ठीक क्लास, क्लास से नहीं पढ़ा चाहे वो फाइनेंशियली वीक बच्चे थे चाहे वो आपका जहां पे रहते थे वहां पे बेटर जो आपका एजुकेशन होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है और इसके चलते वो आपके परेशान हो जाते थे उनको डर लगता था कि यार संतोष सर तो बहुत दूर बैठे हैं और उनसे अगर वो सामने ना हो तो फिर कैसे मैं इंटरेक्ट करूंगा कैसे मैं डाउट पूछूंगा इन्हीं चीजों से इन्हीं डर को खत्म करने के लिए मेरे बच्चे मैंने क्या किया आपको इलेवेंथ क्लास ट्वेल्थ क्लास कंप्लीट फ्री किया है आप पढ़ो ना और पढ़ के देखो जरा कौन सा डाउट आपको उठता है कौन सी आपको ऐसा है जो आपको परेशान करता है मैं तो अभी इलेवेंथ क्लास ट्वेल्थ क्लास में हजारों बच्चे आज तक मेरे पेड कोर्सेज में थे मैं रोज फोर टू सेवन बैठता हूं कि कभी तो कोई डाउट आए कभी तो कोई डाउट आए रेयरली कोई डाउट मेरे पास आता है बच्चे रेयरली और मैंने वो भी आपके जो डर है ना डाउट का वो भी खत्म करने के लिए मैंने और मेरी सी सी टीम ने इस बात को डिसाइड किया है कि चैनल पे मैं वीक में एटलीस्ट एक बार अपने सारे फ्री बच्चों के लिए लाइव चैनल पर आऊंगा और आपके डाउट सेशन देखूंगा कि क्या डाउट्स आपके उठते हैं एक्चुअली आप पढ़ो ना आप कल को जो बोलते हो ना हमेशा मैंने देखा हुआ है मैंने चैनल पे कि सर मैं फाइनेंशियली वीक बच्चा हूं मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ अब क्यों नहीं पढ़ाई कर पाओगे सर मैं वहां रहता हूं जहां पे अच्छी एजुकेशन नहीं है अब क्यों नहीं पढ़ पाओगे सर डर लगता है वीडियो क्लास से पैसा पे कर दिया उसके बाद मान लो अगर क्लास समझ में नहीं आया अब कैसा डर है आप पढ़ो ना आप मेरे चैनल पे आइए चैनल पे स्टडी कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट याद रखना ये सिर्फ आपका रिविजन लेक्चर नहीं है ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने का लेक्चर नहीं है यह सिर्फ डेमो क्लासेज नहीं है हर एक चैप्टर में मेरे बच्चे अगर 16, 18 क्लासेज है तो उन 16, 18 क्लासेज को मैं आपके लिए फ्री कर रहा हूं बिल्कुल सीक्वेंस में आप चैनल पे आके स्टडी करें और रियली में अपने आप को आप टॉप पे पहुंचा है। एक चीज में आपको बता दूं ये मिशन जो मैंने और मेरी सीयूसी टीम ने डिसाइड किया है कि लेट्स एडुकेट इंडिया पूरे इंडिया को एडुकेट करना है कॉमर्स में एक एक बच्चा प्रॉपर तरीके स्टडी करे इस बात को इंश्योर करना है मेरे बच्चे इसमें आपका साथ चाहिए आप भी स्वार्थी बनकर आप इस इस नॉलेज को अपने तक लिमिट नहीं रखना आपके स्कूल में जितने सारे फ्रेंड्स हैं आपके रिलेटिव्स जो हैं जो बाहर के दोस्त हैं आपके दुश्मन भी क्यों ना हो रोड पे चलता हुआ कोई इंसान भी दिख जाए जो कॉमर्स का है इलेवन ट्वेल्थ क्लास का उसको भी आपको बताना होगा कि संतोष सर ने अपनी सारी क्लासेज फ्री कर दी है एलेवन टूल क्लास की आप उनको आइए उनके चैनल पे स्टडी कीजिए सीओसिस आपका कॉमर्स स्कूल ये बात आप ध्यान रखेंगे और इस चैनल पे आप आइए और ज्वाइन कीजिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए एंड सबको लेकर आए मेरे बच्चे सबको तभी हम दोनों का मिशन पूरा होगा ऑल द बेस्ट थैंक यू थैंक यू जी थैंक यू बच्चों